नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आपके सामने आज का बिंदास बोल विशेष है। आज हम लिखने के लिए तैयार है और इस बार की विशेषता तो ये रही कि पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया से कहीं भी इसका कोई भी विरोध तक नहीं कर पाया, क्योंकि हमने कोई भी एपिसोड दोनों पक्षों के बगैर नहीं किया। हमने पूरे कुरान की विवादित आयतों पर चर्चा में दोनों पक्षों को समानांतर समय दिया, बल्कि कई जगह तो इसके बचाव के पक्ष में बात करने वालों को भी ज्यादा दिया। लेकिन हमने सुदर्शन की तरफ से आपकी अपनी भूमिका केवल एक फैसिलिटी देना या एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देने तक की सीमित रखकर इस चर्चा को बड़े ही पारदर्शी तरीके से दुनिया भर के सामने प्रस्तुत किया, और इसलिए इसकी कई विशेषता भी है जो आपके सामने अभी थोड़ी देर में ग्राफिक में आती रहेगी। लेकिन ऐसे इस महासीरीज के जिसका हैशटैग है बिंदास बोल ऑन कुरान के आज के इस महामंथन के अंतिम एपिसोड में मैं तमाम हमारे साथ जो आज अतिथि जुड़े हैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन उसके पहले कार्यक्रम की परंपरा जैसे है हम पोल दिखाते हैं, पोल को शून्य से शुरू करते हैं, दोपहर में जैसे पोस्ट होती है उसके बाद से पोल शुरू होता है। इस वक्त 8 बजे रात के कितने प्रतिशत लोग कुरान की विवादित आयतें हटाने के पक्ष में हैं ये मैं आपको दिखाता हूं, और शो के आखिर में रात 9 बजे हम पुनः तब तक का पोल दिखाते हैं। आज भी 97% है। ये विशेष बात है, पिछले 3 दिनों से 97 है, उसके पहले 96 थी, जब शुरू हुआ तो जरूर 90-91 उस रेट में था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से ये 97 के आसपास ही है। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड के साथ आज हम चर्चा का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज कम समय में 2020 मैच की तरह आज इसको आगे लेकर जाना है। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ जो पूरा गेस्ट पैनल है इन सब का स्क्रीन पर एक साथ। आज हमारे साथ, वैसे तो हमने दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को बुलाया था, लेकिन वो तो भाग गया, हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन हमारे साथ गाजियाबाद के इमाम बुखारी है, इनका नाम भी इमाम बुखारी है। आपका स्वागत है इमाम बुखारी जी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, क्रांतिकारी समाज सुधारक इस्लाम के डॉक्टर वसीम रिजवी जी, आपका स्वागत है। वसीम रिजवी जी के साथ साथ हमारे साथ आज डॉक्टर फौजिया रूप जी, जो कि यूएस से जुड़ी है, मूलतः अफगान वंश की, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की और अभी यूएस में है, हमारे साथ जुड़ी, कल भी थी, आपका स्वागत है। महेंद्रपाल आर्या जी, पंडित महेंद्रपाल आर्या जी, जिनकी पंडिताई ना केवल सनातन में बल्कि इस्लाम में है, ये मेरठ के शहर का जी थे, और इनके सामने इस्लाम की चर्चा करने वाला आज तक कोई टिक नहीं सका है। उनकी अरबी भाषा पर भी पकड़ है और भी कई भाषा पर पकड़ है। वैसे कल मुझे पता चला कि फैजिया की तो 8 भाषाओं में पकड़ है, और इसलिए आज भाषा का भी अगर कई मुद्दा आता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ विचारक, मुस्लिम स्कॉलर और डॉक्टर मौलाना शमशुल हसन जी, आपका स्वागत है। शमशुल हसन जी कल भी हमारे साथ एपिसोड में थे, हालांकि शमशुल हसन जी को उधर रखा जाए कि इधर रखा जाए अब पता चलेगा वो क्या स्टैंड लेते उसके आधार पे, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब इस पूरे पैनल के साथ हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे। मैं एक क्लब की हुई आयतों को, मतलब वसीम रिजवी जी को जब हमने कहा कि आपकी कुल आपत्तियां क्या है, तो उन कुल आपत्तियां जो उन्होंने 22-23 एपिसोड में आप लोगों के सामने रखी, उनको हमने 7-8 मुद्दों में एकत्र करके उसमें उन आयतों को रखा है। मैं आज आयत वहां की भाषा में पढ़ने, उसका भाषांतर करने उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप वो कर चुके, या ये आज का ये शॉर्ट पीरियड का शो देखने के वाले लोगों ने उसको गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते, इसलिए आज मैं पहला ये ग्राफिक आपके सामने प्ले कर रहा हूं, जिस आपत्ति पर हम पूरे पैनल के पास जाकर चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहती है कुरान की ये आयतें जो 26 आयतों के बीच की है। देखिए ये वो एक क्लब हमने किया कुरान की 26 विवादित आयतों पर आपत्तियां, गैर मुसलमानों के साथ कुरान के द्वारा भेदभाव होता है और उन्हें जिहाद करके मारा जाता है, यह पहली आपत्ति है जो वसीम रिजवी जी ने ली है। यह सूरह 2 आयत 191, सूरह 2 आयत 111, सूरह 9 आयत 123, सूरह 9 आयत 5, सूरह 9 आयत 111, सूरह 66 आयत 9,
ये आयतें इस संदर्भ में हैं। हम एक लाइन में कह रहे हैं, इसका मतलब आप इसके अंदर लिखी हुई प्रति आयत भी पांच पांच छह छह लाइनें लेंगे तो उन सब का समपसार हम आपके सामने दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह आपत्ति है, इसलिए मैं चलता हूं वसीम रिजवी जी के पास, क्योंकि आपत्ति उनकी तरफ से दर्ज की गई है। वसीम जी, इस आपत्ति पर केवल फोकस करके आप अपनी बात को रखें। सुरेश जी, ये जो आपत्ति है ये कुराने मजीद में उन आयतों के सिलसिले में है जहां पर इंसान में बंटवारा करके गैर मुसलमानों को, जो कि मुसलमान नहीं है, उनको मुशरिक काफिर कहकर, क्रिश्चियन कहकर, यहूदी कहकर, उनको कहीं ना कहीं उनसे जिहाद करने, उनसे लड़ने और उन्हें मारने के लिए अल्लाह का आदेश कुरान में दिया गया है। देखिए सुरेश जी, क्योंकि ये आपका मेगा प्रोग्राम है, इसमें एक चीज को बात ये भी वादे कर दे कि कुरान मजीद अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है। कुरान मजीद के सिलसिले में जो एक अफवाह है कि वो अल्लाह के द्वारा भेजी गई है, ये बिल्कुल गलत है। जब कुरान मजीद की आयतें और सूरे प्रॉफिट मोहम्मद के पास आया करते थे तो वो उनके और जिब्रील के बीच की बात थी, जो वो बताते थे वो उस जमाने में बता देते थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी कहीं इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा नहीं मिलता कि उन्हीं ने ये कहा हो कि इसको लिखो और लिख के किताबी शक्ल दो। वो जो मौजू होता था उस पर वो आयत जो आती थी, जैसे कि हदीसों में लिखा है कि आयत आती थी वो बता देते थे। इस तरह से वो मक्के और मदीने में दो जगह उनके ऊपर आयतें आई, जो एक मक्के में आयतें आई उसको मक्की आयतें कहते हैं, जो मदीने में आयतें आई उनको मदनी आयतें कहते हैं। इन आयतों को इकट्ठा कभी नहीं किया गया। क्या गया उनके इंतकाल के बाद पहले खलीफा अबू बकर और दूसरे खलीफा उमर ने इसको पहली बार इकट्ठा कराया और इसको एक पत्थरों से लिखवाकर इसको एक किताबी शक्ल दी। उमर तक वो चला, उमर के बाद वो हफ्सा के पास रखवा दिया गया। हफ्सा जो प्रॉफिट की पत्नी भी थी और रसूल और उमर की लड़की भी थी। तीसरे खलीफा का जब दौर आया तो फिर यह हुआ कि क्यों ना इसको एक किताबी शक्ल दी जाए। बहुत सी आयतें ऐसी चल रही है कि जो अल्लाह के नाम से हो रहा है, तो उन्हीं ने उसको हफ्सा क्या से मंगवाकर उसको एक किताबी शक्ल दी। इसमें हमारे फिरके से ये बात कही जाती है कि जब किताबी शक्ल दी जा रही थी तो हजरत अली, जो चचालाद भाई भी थे रसूल के और उनके दामाद भी थे, वो एक किताब लेकर गए थे जो ऊंटों पर लाद के लेके गए थे, यानी कि उसमें बहुत हजारों आयतें थी, उसको लेके गए थे और कहा था कि ये असली कुरान है। तो उन्हीं ने उसको लेने से इनकार कर दिया था उस्मान ने, और वो उस किताब को लेकर चले आए थे। हमारे क्या ये बात कही जाती है क्या फिरके में कि जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे तो उस कुरान को लेके आएंगे जो हजरत अली का कुरान है। तो उसके बाद ये कुरान जब राइज हुआ तो ये किताबे उस्मानी के नाम से भी जाना जाता है, ये उस्मान द्वारा राइज किया गया। तो इसमें हमारा आपत्ति यह है कि जब अल्लाह अल्लाह सब के लिए अल्लाह है, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन अगर अल्लाह एक तरफ तो उसमें आयतें बहुत अच्छी अच्छी है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है पहले इसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं वसीम रिजवी जी, क्योंकि हम इन आयतों पर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। पहला राउंड यही पूरा कर लेते हैं कि कुरान पर ही आपत्ति, ये भी एक बड़ा मुद्दा और पूरे सीरीज के दौरान ये करीब करीब हर एपिसोड में चर्चा में आया, इसलिए जल्दी से इस राउंड को पूरा करते मैं डॉक्टर फैजिया रूफ के तरफ चलता हूं। फैजिया जी, वसीम रिजवी जी ने तो कुरान की निर्मिति पर ही प्रश्न उठाया है, आप क्या कहेगी? मैं ये कहूंगी कि जिस तरह कुरान में ये है कि आप जब लड़ाई करो औरों को अप्रेस करके, उनकी बीवियों को, बच्चियों को, माओं को, वो तो हम आयतों पर चर्चा करेंगे। इन्होंने ये कहा कि ना ये अल्लाह ने भेजा है, ना मोहम्मद जी ने इसको लिखने के लिए कहा है, ये तो उनके 32 साल बाद आया है, तो ये कुरान उनका है नहीं। ये वाला जो इनका आपत्ति, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने सही कहा है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन बहुत काफी अरसे बाद कुरान को एक किताबी शक्ल में दिया गया था। पहले तो वो सुनाते थे और कुछ लोग उनको जुबानी याद करते थे। उसमें एक ये भी था कि एक जो लड़का था जो कि इसको याद करता था या थोड़ा लिखता था, वो भाग भी गया था, क्योंकि वो ये कहता था कि मैंने देखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बताते होते हैं, अपने वो स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं अपने मूड के लिहाज से, कि जो उनको सही लगता है सही है। फिर इनमें ये भी है कि अब ये आयतें कट गई है
और ये जो है ना अब एक्सटिंग्विश हो गई है, ये अब वैलिड है ये वैलिड नहीं है, और जिस तरह एक कंपाइल किया गया है जो ये बहुत सारा खजूरों के पत्र, खजूरों के जो लीव्स होते हैं उन पे लिखा था और चमड़े पे लिखा था या जो भी उस वक्त उनके पास वसाइल थे, थी तो वो कुरान, और अभी इसके बाद का जो कुरान एक लंदन के म्यूजियम में जो रखा है उसको अगर करंट जो हमारे पास मौजूद है इनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, मतलब आप कुल मिलाकर वसीम रिजवी जी के इस बात का समर्थन करती है। मैं हमारे साथ पंडित महेंद्रपाल आर्या जी है। महेंद्रपाल आर्या जी, आप तो पहले से ही इस मुद्दे को रखते आए हैं, उसको कोई शायद इस्लामी या उस भाषा में कोई शब्द भी है जो कुरान को आसमानी किताब न मानने का आपका तर्क है, क्या कहेंगे आप? भाई वसीम रिजवी ने बिल्कुल ठीक कहा, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि उसी अरबी में ही अरबी, फारसी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, ये ऑलवेज सात तीन में तो मास्टर ही है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं इधर आने के बाद मैंने गुरुकुल में पढ़ा, तो मैं स्नातक हूँ और ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? हाँ, आसमानी किताब है क्या नहीं है? पर मुझे जी इस मुद्दे पर मुझे ये कहना है कि कुरान की शुरुआत ही झूठ है। वसीम रिजवी साहब ने बिल्कुल 100% सही कहा, मैं पहले दिन से इनका समर्थन देता आया हूँ, समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जो पहली जो पांच आयतें आई थी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, वहां पर शब्द आया है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم। ये पांच आयत लेकर के गार हिरा में हजरत जिब्रील आकर के मोहम्मद साहब को पढ़ाए, और मोहम्मद साहब को जिब्रील पढ़ाए इसका प्रमाण तो मिल गया, लेकिन जिब्रील को मिला कहाँ से इसका प्रमाण? कुरान वाले कयामत तक नहीं दिखा सकते, चुनौती है मेरी। जिब्रील को कहाँ से मिला? ये झूठ की आगाज यहीं से शुरू हो रही है। ये अल्लाह की शुरुआत इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने सत्या प्रकाश में लिखा है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, इसमें बिस्मिल्लाह ही गलत है, और 179 सवाल उठाए हैं, और आज एक दिन से नहीं 175 वर्षों से ये काम आर्य समाज के द्वारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अब तक ये सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया वालों को। भाई वसीम रिजवी की बड़ी मेहरबानी है, दया दृष्टि है जो उन्होंने इस तरीके से आपके माध्यम से आपके चैनल में उठाया है, जो चैनल वाले आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। आपने जो बहादुरी दिखाई है, आपने जो अदम, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वाकई में ये मानवीतर ग्रंथ है, इसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ पर गैर मुस्लिमों को मारो का हम उसमें बाद में बात करेंगे, हम उसमें बाद में बात करेंगे जब हम आयतों पर जाएंगे। अभी केवल पहला मुद्दा है कि क्या ये आसमानी किताब है, क्या ये प्रश्न जो इन्होंने उठाया है उस पर बात करते हैं। अभी हम दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं जो कि कुरान के बचाव के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं उनके पास चलता हूँ। हमारे साथ जो पैनल है, मैं उनके हमारे साथ इस वक्त शमशुल हसन जी है। शमशुल हसन जी, क्या आप इस बात को मानते हैं जो वसीम रिजवी जी कह रहे हैं, उनको आप गलत कैसे साबित करेंगे? देखिए, जब मसला यहाँ पे आ गया है कि आप कह रहे हैं कि वो चीज किताब अल्लाह की नहीं है, तो अब मैं जो है मानने वाला हूँ कि वो किताब अल्लाह की है। अब मैं कह रहा हूँ अल्लाह की है, वो कह रहे हैं नहीं है। आप तीन आदमी बैठे हुए, मैं अकेला हूँ। नहीं नहीं, आपके साथ बुखारी जी भी है, इमाम बुखारी जी भी है, चिंता मत करिए, सब कुछ है। लेकिन आज अगर आप ये कह के बैठे हुए हैं कि मैं ये साबित करूंगा कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो जाहिर है कि मुझको आपने बुलाने से कोई फायदा नहीं, मैं आपसे बहस करके जो है कोई फायदा हासिल करने वाला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरा समय देते हैं और इसीलिए एक भी एपिसोड ऐसा नहीं हुआ जिसमें कुरान का पक्षधर व्यक्ति नहीं था। अब बोलिए, आपको जो भी कहना है, बाकी तो दर्शक और समाज देश तय करेगा। सरकार दो आलम किसी के पढ़ाए हुए नहीं थे, अल्लाह की तरफ से पढ़ के आए थे। पहली बात, आप हमारी आस्था पे अगर शक है तो आप शक कीजिए, मैं आपसे नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ये तो वसीम रिजवी जी और आपके बीच का हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बस बस आप सुनिए, दूसरी बात यह है
लेकिन वसीम रिजवी जी तो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। रिजवी जी ऐसा कुछ आपने कहा है मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में? तमाम तमाम किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा है, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है, बुखारी में लिखा है कि रसूल जो थे वो जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं। मुझे बात करने देंगे तभी तो मैं अपनी बात कहूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बीच बीच में अगर बोलेंगे ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सरकार दो आलम यानी प्रॉफेट मोहम्मद जब जाने लगे थे तो उन्होंने ये कहा था, इन्नी तारे तुम फी कुमुस्तकलैन किताब अल्लाह है इतरती अहले बैती। मैं दो चीजें भारी छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक हमारे इतरत है अहले बैत है। दो चीजें साथ छोड़ के जा रहे हैं। अहले बैत के बारे में वसीम रिजवी साहब को इनकार नहीं है, लेकिन इस बात पे इनकार है के अल्लाह की किताब कि वो सरकार कह रहे हैं कि मैं किताब छोड़ के जा रहा हूँ या अलग अलग आयतें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। अगर रिजवी साहब का इस पर एतबार नहीं है तो ठीक है, जाएं जाके जितने मुस्लिम मालिक हैं जो कुरान को अल्लाह की किताब आज तक रिजवी जी को लीजिए जरा साथ में इनके, हाँ, पर जाके बहस करें और बहस करके नतीजा निकालें और हमें भी सही नतीजे तक पहुंचाएं। ये जो आपके दरमियान और शम्सुल हसन साहब एक सवाल है आपसे, शम्सुल हसन साहब एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे, अल्लाह की किताब रसूल ने कहा अहले बैत के साथ में कहा कि हम बिल्कुल ये पढ़ते हैं कि अहले बैत और किताब दो चीजें उन्हीं ने कहा कि हम छोड़े जा रहे हैं। अहले बैत पर कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल अहले बैत उनके बाद उनके जानशीन थे। लेकिन जहां तक कि आप ये कह रहे हैं कि किताब छोड़ के जा रहे हैं, आप इस बात का किसी भी इस्लामिक किताब से हवाला दे सकते हैं कि रसूल के जमाने में कभी कुरान के नाम से या अल्लाह की किताब के नाम से कोई किताब तहरीर की गई? जी अच्छा, उस वक्त पूछा था किसी ने जनाब ईसा से जब ये कहा था कि इन्नी अब्दुल्ला व आतानियल किताब, उस वक्त किसी ईसाई ने पूछा उनसे कि किताब लाइए दिखाइए कहाँ है? हम आपसे देखिए देखिए ऐसा किसी ने पूछा नहीं, पूछा हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि किताब एतराज कर रहे हैं ईसाई पर, ईसाइयों पर भी एतराज कीजिए कि आपकी किताब कहाँ है? ईसा से किसी ने पूछा था भाई? पूछा या मूसा से पूछा या इब्राहिम से पूछा या दाऊद से पूछा? हम तो तीनों चीजों को मानते हैं ना, हम तो मूसा को भी मानते हैं, तौरात ज़बूर इंजील और कुरान सबको मानते हैं, पर सवाल ही नहीं कर रहे। अब उस वक्त जब ईसा ने ईसा के सामने जब वो अभी चंद दिन के हैं, चलिए 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 अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तुम्हें आज की बात के ऊपर में? हमारे पास एक ही मुद्दे पर चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखिए। अब मैं इमाम बुखारी जी के बाद चलता हूं। इमाम बुखारी जी, जो बात शम्सुल हसन जी रख चुके हैं उसके आगे की बात आप रखिए। आपत्ति है, चर्चा इस वक्त चल रही है कि वसीम रिजवी जी कह रहे हैं कि आसमानी किताब नहीं है। वसीम रिजवी साहब के पास इतना इल्म नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि वो कुरान को समझ सके या जाने। हाँ, आज तक अल्लाह के रसूल को किसी ने जाहिल नहीं कहा, उम्मी कहा है। उम्मी में और जाहिल में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया चपटी है और दुनिया जाहिल वो होता है जिसके पास जिसने इल्म दुनिया में हासिल किया। रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, उन्हें अल्लाह ने आपके इल्म के बराबर दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं है अल्लाह के रसूल का। अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमाया है, अल्लाह का इल्म दिया हुआ है, जिब्रील अमीन वही लेकर आए हैं। कुरान मुकद्दस के बारे में जो आप कह रहे हैं दुनिया में किसी ने आज तक ये अल्फाज नहीं कहे हैं। आप जो है बिल्कुल नावाकिफ इंसानों में से हैं। कुरान पढ़ना आप नहीं जानते, समझना नहीं जानते। अल्लाह के रसूल ने कभी कोई तहरीर लिखी? जवाब क्यों नहीं दिया? अल्लाह के रसूल ने लिखवाई है तहरीरें, अरे लिखी नहीं, खुद लिखी सही से लिखे गए, पत्तों पे लिखा गया, पत्थरों पे लिखा गया। खुद लिखी या नहीं लिखी? वो बाद में जमा की गई है। खुद लिखी या नहीं लिखी? खुद आपने नहीं लिखी, तो लिखवाई है सहाबियों से। अल्लाह के रसूल जो थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उम्मी का मतलब ये नहीं होता कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इल्म अल्लाह ने ऐसा फरमाया था उनको, आप जैसे लोगों की तरह नहीं था ये इल्म। चलिए एक 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 तो ये मुद्दा हुआ बुखारी जी कि वो लिखना पढ़ना जानते थे आप साहब कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी, कोई बात नहीं। आगे अगला उनकी आपत्ति पे जवाब दीजिए, जो वो कह रहे हैं कि उनके जाने के कई दशकों बाद ये लिखी गई। हाँ, वो जमा की गई है सब, तो उस समय पहली दो और भी कुरान लिखी गई थी जिनको नकारा गया? नहीं, नकारा नहीं गया, उनमें से जितने जगह जो थी सबको उनको इकट्ठा करके एक किताब बनाई गई है, पूरी लिखी गई है, कोई वो नहीं उसमें। 17,000 आयतों का जो वो आपके यहाँ है, वो आपके यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, वो आपके यहाँ होंगे हमारे यहाँ नहीं है।
आप क्या नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ कुरान मुकद्दर जो मौजूद है, कयामत तक पूरी दुनिया जोर लगा ले उसमें से एक हफ्लर निकाल सकते हैं। तुम्हारी तो हैसियत क्या है? पूरी दुनिया सुपर पावर को लगा दी जाए इस काम से, अगर वो करके दिखा दे। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है, अल्लाह हिफाजत करेगा। आप कुछ लोग करते रहिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता। कुरान में वादा किया, जब हम कुरान को ही नहीं मान रहे तो आप वादे की क्या बात कर रहे हैं? आप कुरान को मत मानिए, आपको पता चल जाएगा जा करके आगे। अरे आप ये तो बताइए कि अल्लाह की किताब कैसे है, खराब है, ये नहीं मान रहे आप? अरे आप ये बताइए अल्लाह की किताब कैसे, साबित कीजिए ना। क्या साबित करना है? चलिए चलिए चलिए, हम अब जब आप, मुझे लगता है बुखारी जी आप उन पर गुस्सा होने के बजाय उस समय का उपयोग अपने तर्कों को देने में बोला रही बात। अब अपने तर्कों को नहीं, आपको शक क्या? आपको तो आप तर्क का उपयोग करिए ना, उनको धमकाने के बजाय आप तर्क का उपयोग करिए। आपके समय, आपको समय मिला उस समय में उनकी बात कैसे गलत है? अल्लाह के रसूल की शान में कहे हैं ये अल्फाज जो है मुनासिब है, इन्हें बोलने तक का समीर नहीं, रसूल को जाहिल बता रहे हैं ये। हाँ चलिए चलिए, हम जरा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब जाहिल क्या होता है ये भी हमको पता नहीं है। हम हमारे साथ यहाँ वसीम रिजवी जी जुड़े, वैसे नीरज अत्री जी जुड़े हैं। नीरज अत्री जी, पहले ही मुद्दे पर हम 23 मिनट से ज्यादा समय लगा चुके हैं। मैं केवल एकदम फास्ट में आपसे ये उत्तर चाहूंगा कि इनका कहना है वसीम रिजवी जी का कि ये आसमानी किताब नहीं है, और इसमें फैजिया जी और हमारे साथ महेंद्रपाल आर्या जी, इन लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। लेकिन यहाँ जो अन्य दो लोग हैं वो इसके समर्थन में हैं कि आसमानी किताब है। आपका क्या कहना है? जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मुझे लगता है कि वसीम रिजवी जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आसमानी किताब, अब थोड़े ऊंची आवाज में बोले तो अच्छा होगा। क्वालिटी, जी जी, मैं ये कह रहा था कि आसमानी किताब में जो क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाएंगी, अगर कोई आसमानी किताब हो सकती है, तो वो इस किताब में हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। जो आपका सामने स्क्रीन पे ग्राफिक चल रहा है उसमें एक आयत आ रही है, सूरह 66 की आयत नंबर 9। आप अगर उस पूरी सूरह को देखेंगे 66वीं को, उसमें हम जाएंगे, हम केवल और केवल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आसमानी किताब नहीं कहना, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा है, ऐसी बात जो रिजवी जी कह रहे हैं उसके समर्थन और विरोध में क्या मुद्दे है, इतनी बात है। जी मैं आपसे वही कह रहा था। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना। तो यदि आप साइंस के नियम लगाएंगे तो इस किताब को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई गॉड है जो सातवें आसमान पे लिख के भेज रहा है, ये आसमानी किताब नहीं हो सकती, मैं इतना कह सकता हूँ आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही पहली एक कंबाइन ग्राफिक दिखाया था जिसमें कई आयतों को लेकर चर्चा की गई थी, उसकी तरफ चलते हैं और फिर पैनल से उसको लेकर बात करते हैं। मैं पुनः उस ग्राफिक को दिखाता हूं कि हमने कुछ आयतों को लेकर एक विषय और कई आयतें ऐसा क्लब किया गया है। देखिए, जो आयतें हम आपको पहले दिन से दिखा रहे हैं उनको हमने एक एक ना करके आज क्लब करके कहा है कि गैर मुसलमानों से नफरत करना और उनका उनके ऊपर एट्रोसिटीज। ये मैंने इसके पहले जो ग्राफिक दिखाया था, ये सूरह 9 आयत 28, सूरह 9 आयत 23, और इसके पहले जो दिखाया था, इन दोनों को क्लब करके अब मैं दिखा रहा हूं जो बात आपके सामने कही है। कार्यक्रम के शुरू में जो ग्राफिक दिखाया था उसमें गैर मुसलमानों के प्रति हिंसा ये थी, इसमें नफरत करीब करीब बातें समान है, तो उसमें ली गई करीब 9 आयतें और ये 2 आयतें मिलकर 11 आयतों का यही संदर्भ जाता है। वसीम रिजवी जी, मैं पुनः आपके पास आता हूं, क्योंकि हर आपत्ति दिखाकर मैं आपके पास आऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप 30 सेकंड में आपकी बात को कहें, तभी हम बाकी सारे लोगों का प्रतिक्रिया लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे। वसीम रिजवी जी, सुरेश जी, देखिए कुरान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो एक साजिशन, ये आयतें गढ़ी गई हैं, और क्योंकि उसके पीछे एक मकसद था। अरब के अंदर जब इस्लाम फैल चुका तो अब रसूल भी दुनिया से जा चुके थे, जो खलीफा थे उमर, अबू बकर, उस्मान, इन तीनों ने एक साजिश ये की कि अब इनको इस्लाम के लिए लूटपाट करने के लिए और इस्लाम के लिए करने के लिए जमीन बनाने के लिए इनको अरब से बाहर निकलना था। तो ये तीनों खलीफाओं ने अरब की सीमाओं के बाहर जो गैर मुसलमानों के मुल्क थे वहां हमले करना शुरू किए, वहां से लूटपाट, वहां की औरतों को लेकर आना, उनके साथ में हमबिस्तरी करना, उनको अपनी दासियां बनाना, ये इनका काम था। तो ये सब काम करने के लिए उनको ये कुरान के अंदर ये इजाजत चाहिए थी कि इस तरह की आयतें लिख दी जाएं,
कि जिससे हम खून खराबा कर सकें और ये कह सकें कि गैर मुसलमानों के साथ में ये करना जायज है और अल्लाह ने इसकी हमें इजाजत दी है। तो इसलिए इस साजिश के तहत इस कुरान को तैयार किया गया और कुरान तैयार करने बाद इस पर अमल किया गया। ये पहले खलीफा अबू बकर और उमर ने किया था, उसके बाद यही उस्मान ने किया। चलिए चलिए, तो आप आपका कहना है कि ये जो आयतें हमने 11 आयतें आपके सामने दिखाई है, क्या क्या कह रहे बुखारी जी, अली जिहाद में रहे हैं, उनका क्या किरदार था? अरब के अंदर रहे, बाहर हमला करने नहीं गए थे, बाहर भी गए हैं। आप मालूमात अपनी सही कीजिए, आप सही करिए, आपको पता नहीं। बुखारी जी आप बताए ना कौन सी आयत में कहा कहा गया कि बाहर गए थे? ये आयत में नहीं है, ये कुरान, ये अल्लाह के रसूल के बाद की बात बता रहे हैं खुद ही। अच्छा चलिए चलिए, अभी हमारे पास डॉक्टर फैजिया रूफ जी है। फैजिया जी अब आपके पास आते हैं क्योंकि आप मानवता और बाकी सारे दृष्टिकोण के साथ इन चीजों को देखती है, और कल के आपके पहले एपिसोड, मतलब कल आप जिस एपिसोड में आई थी उस एपिसोड में हमने आपके भावनाओं का दर्द भी देखा कि आपने कहा कि ये सारी चीजों के कारण जो अनह्यूमन या मानवता के विरुद्ध कार्य हो रहा है उससे आप बड़ी पीड़ित है, दुखी है। तो गैर मुसलमानों को निशाना बनाया जाना, यह मुख्य आरोप वसीम रिजवी जी का इन सारे आयतों को लेकर है, क्या कहेगी आप? देखिए जी, गैर मुसलमानों के साथ साथ तो अब देखो, गैर मुसलमानों के तो मुल्क भी देखो, उनके हालात भी देखो, और उनके बच्चों के, उनकी औरतों के, जहां पे महिलाएं हैं उनके लाइफ स्टैंडर्ड देखो। अभी दो दिन पहले अमेरिका में ये हुआ है ना कि हर बच्चा जो पैदा होगा 19 साल से छोटा उसको $100 बगैर किसी के $250 हर एक बच्चे के पास जाएंगे। अब जिसके पास चार बच्चे हैं उसको मुफ्त में $1,000 आएगा। लेकिन इस्लामी मुमलिकत, जितने भी इस्लामी मुमालिक है उनमें देखिए कि उनको खाने का, पीने का और उनके जो जिंदगी के जो लाइफस्टाइल है वो तो बिल्कुल सिफर है। और जिस तरीके से ये मसला, तो गैर मुस्लिम तो उनको तो कोई परवाह नहीं है, वो उन्होंने चांद तक जाना था, वो चांद पे जा चुके हैं, उनको मल्टी प्लानिटरी लाइफ अप करना है, उसकी तरफ वो दौड़ रहे हैं। लेकिन मसला मुझे ये है कि अगर जो इलान मस्क है जो कि मार्स को जाके अभी वहां पे बाय 2030 एक दूसरे प्लैनेट पे जिंदगी का शुरुआत करेंगे, उनकी माँ की जिंदगी देखें और फिर आप एक मुस्लिम महिला को देखें, क्या एक मुस्लिम महिला उस जैसा बेटा बड़ा कर सकती है? देखो हम सारे इंसान पैदा होते हैं, लेकिन जो इस्लामी माशरा होता है उसको एक इंसान को परवान चढ़ाना और उसको दुनिया के और इंसानों के लिए बल्कि अपने मुसलमानों के भविष्य जो है ना वो खतरे में है। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने वही भेजी है, अल्लाह इसका मास्टरमाइंड है। अगर अल्लाह है तो फिर अल्लाह ही क्यों एक तरफ से बोलता है कि वह नजमु और शजर यस्जुदान, पूरे दरख्त और सजदा रूह है मेरे लिए, और दूसरी तरफ वो फिर इंसानों को बोलता है जो वो कहता है कि मैंने बनाया है, मैंने इंसान बनाए हैं, अगर आपने बनाए हैं तो आप क्यों फिर एक इंसान को बोलते हो कि जाओ उसको मारो? अगर हमारे माँ बाप कभी उनका इतना दिल होता है कि वो आप जाके अपने एक बच्चे को कहो कि मेरे दूसरे बच्चे को मारो, तो अगर ये अल्लाह की क्रिएशन है भी, ये गलत है और उसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरे, अगर मोहम्मद साहब को ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े कोई, हाँ मैं स्कॉलर तेल में ये बोलती हूँ कि वो एक कामयाब इंसान इसलिए थे कि उन्होंने अपने अरब को एक्सपेंशन दी है, लोगों के घर को लूट मार के उनके उनकी जो प्रॉपर्टी है उनपे जाके उनको हरास करके, उनको डरा के, उनकी प्रॉपर्टी को चोरी करके लेकर आए माल गनीमत। ना सिर्फ आप उसके माल गनीमत को चोरी करके लाए हैं, आप एक बंदे को मार रहे हैं, उनकी औरत को अपने लिए कनीज बना रहे हो। तो वो जो बच्चा देख रहा है इस एनवायरनमेंट में, ये एक ट्रॉमाटाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, और वो ट्रॉमा जो भी औरत या महिलाएं उन हालात से में से गुजरी है उनको देखा है। मसलन हमारी मिसाल लीजिए, जब गौरी और गजनवी आए उन्होंने जो लूट मार की है, गौरी और गजनवी ने तो इतना किया भी नहीं है। आप अगर सहाबा के, ये जो अबू बकर है, उस्मान है और खुद पैगंबर है, उन्होंने जो अंत मचाई है ना, आप तो इनको देवी देवता बना दोगे। ये जो इन्वेडर
जो मोहम्मद बिन कासिम आए, आप तो इनकी मूर्तियां बना दो। अगर आप लोगों ने असल जो इस्लाम है, जो नबी ने जो किया, रसूल ने जो किया और जो उसके सहाबा ने किया, आपके तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उनके सामने ये आपको बहुत आला इंसान दिखेंगे। अभी हमारे साथ, मैं इज्जत करती हूँ, दो मौलाना साहब बैठे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, इनके हाथों में तलवार नहीं है, ये हमारी गर्दने नहीं उड़ा रहे। मोहम्मद और उस जमाने में उनके असहाबाओं ने तो यही कुछ किया है ना कि गर्दने उड़ाओ। और ये एक अननेचुरल इंसानी वजूद और इंसानी ब्रेन हमें पलने पूलने के लिए इस्लामिक एनवायरनमेंट, हम इंसान नहीं बन सकते। ये बात छोड़ो चांद पे जाना, हम तो अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी के साथ जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं है। और जो चीजें हम पे जबरदस्ती थोपी गई है, ये बिल्कुल सच है कि हमारी महिलाओं ने जो टॉर्चर देखा है, जिस टॉर्चर के तहत उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, एक ट्रॉमा में से पूरा खित्ता गुजरा है और अभी थोड़े से हालात संवरने लगे हैं, थैंक्स टू रजवी जी, नीरज अत्री जी, पंडित जी, आप। और इवन मैं शुक्र गुजार हूँ बुखारी साहब के भी, और जो हमारे साथ पैनल में शिरकत कर रहे हैं मुसलमान, शमसुल हसन जी, कम अज कम शमसुल हसन जी, इनमें भी इतना टॉलरेंस है। और ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, कुछ लोग ड्रास्टिकली इस चीज से निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, जिस तरह मैं हूँ। और मैं स्वीकार करूंगी जो घर वापसी अपने जो रूट्स वाली हमारी वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा धर्म है, उस धर्म के साए में जीना, ओवरनाइट आप रिकवर कर जाते हो उस सारे टॉर्चर से। वरना तो अगर आप इसमें जितना रहते हो, बुखारी साहब और शमसुल कमर साहब को तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने घर से, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें और इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कुरान ने अपने अल्लाह की किताब क्या है, वो अल्लाह ने उस किताब को मैं संवारने की कोशिश की है। तो मुझे, मैं ये बताती हूँ कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने वजीरिस्तान में या जब तालिबान ने मीना हस्का में जब मस्जिद में जाके बॉम्ब किए हैं, वहां पे इतने ज्यादा कुरान जले, तो फिर अल्लाह मियाँ क्यों नहीं आए उन कुरान को जो वो जल रहे थे आग में और उस आग को बुझाए, तो उसके साथ इतने इंसान भी जले। अब जब इतने लोग मर रहे हैं भूखे, आप यमन में देखो तो यमन में जो इतने भूखे लोग मर रहे हैं, बच्चे बेचारे, मैं आई हैव सिंपैथी फॉर देम, तो अल्लाह उनको क्यों अब मनोसलवा नहीं भेज रहा? आप खुद बोगे, काटोगे, मेहनत करोगे, आगे जाओगे। मैंने कल भी यही बोला कि कुरान ऐसा ही है कि कोई आपके शरबत में आपको चीनी और नमक दोनों साथ मिला के आपको कहे अब ये पी लो, वो घूंट आप नहीं निकल सकते। बेशक इसमें कुछ अच्छी बातें होगी होगी, लेकिन जितना इसमें बुरा है और जितनी औरतों की बेइज्जती इसमें है कि औरत जो है ना 1/3 गवाही है। मतलब मैं अब एक क्राइम देखूंगी, मैं जाऊंगी अपने काउंटी में कि भाई मैंने क्राइम देखा है, क्या मुझे यहाँ पे इस सोसाइटी का जज ये बोलेगा कि जाओ दो और महिलाओं को लेकर आओ क्योंकि आपकी गवाही 1/3 है? मतलब ये क्यों है? ये तो गलत, बिल्कुल अननेचुरल है। और जिस तरीके से अजाब बनाया हुआ है, क्या हम इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को फलने फूलने देंगे? बिल्कुल, या बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल स्टीव जॉब की मैं दे दूं, उसकी माँ ने बच्चा पैदा किया था, वो आउट ऑफ द वेडलॉक था। अब हम सब आईफोन से बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अगर स्टीव जॉब की माँ पाकिस्तान में होती तो क्या वो जाके अपना बच्चा एडॉप्शन के लिए देती है? वो उस सोसाइटी में उसका तो जीना हराम कर देते। तो जिस सोसाइटी में इस्लाम परवान चढ़ता है, वहां पे इंसान परवान नहीं चढ़ सकता। वहां जहां पे इस्लामियत होती है, वहां पे इंसानियत नहीं होती। ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ चीजें हैं। इस्लामियत और इंसानियत का आपस में कोई लिंक नहीं है। मैं फिर बोलूंगी, जहां पे इस्लामियत होती है वहां पे इंसानियत नहीं होती। बिल्कुल, चलिए, फैजा जी ने बड़ा जानती नहीं है किस चीज का नाम है, बताइए, आप बताइए। आप सबसे पहले तो आप खुदा के वजूद की मुनकर हैं, आप दहरिया हैं एक नंबर एक। तो मतलब क्या दहलिया? मतलब क्या आप अल्लाह को नहीं मानते? दहलिया मतलब क्या?
क्या कहते हैं उसको जो ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को न माने, नास्तिक है ही नहीं, नास्तिक नहीं, मैं नास्तिक है नहीं, इसने जो अल्फाज कहे वो साबित हो रहा है उससे कि नास्तिक है, अल्लाह के वजूद को मुनकर है, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को चलाने वाले को नहीं मानती है, तो इसका कुरान के बाद से एक मिनट, एक मिनट, शिवा ने, एक मिनट, वो मानती है, नहीं मानती, झूठ बोल रही है, एक मिनट, एक मिनट, किसको मानती गलत है, बुखारी जी आप दिल्ली के बुखारी की तरह मत करिए, हाँ किसको मानती है आप, किसी को नहीं मानती, मैं सरस्वती माँ को मानती हूँ, मैं, एक मिनट सुनिए ना, अरे भाई बुखारी जी, बुखारी जी खात्मा हो चुका है, बुखारी जी का भी खात्मा ऐसे ही हो जाएगा, बुखारी जी आपकी दादी जिसको मानती थी उसको फैजिया जी मानती हो, कह रही हो सरस्वती को मानती है, वो शिवा को मानती है, अल्लाह को नहीं मानती, तो आपकी परदादी मानती होगी, उसमें कोई सी बड़ी बात है, तो अल्लाह को मानते हैं, मैं उस बुद्धा को मानती हूँ, मैं उस बुद्धा को मानती हूँ जिसमें इनके देव बन के तालिबान आए, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, मैं उस बुद्धा को मानती हूँ जो बामियान में हजारों साल से खड़ा था, मैं इस सोमनाथ मंदिर के सब बुतों को मानती हूँ जिसमें आके इनके गौरी गजनवियों ने आके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और हमारी औरतों की बेइज्जती की, उनकी इज्जत को पामाल किया, मैं मानती हूँ उन सारे खुदाओं को, उन सारे देवी देवताओं को जो मेरे भारत धरती पे पले बड़े हैं, मैं पाकिस्तान में जो कटास मंदिर है उसमें रखा हुआ शिवलिंग उसको मानती हूँ, पाकिस्तान की शिकायत जो कि शिवाजी का एक आंसू गिरा था देवी के लिए, वो उस आंसू में से जो वहां पे लेक है उसको मानती हूँ, मैं शिवलिंग को मानती हूँ, मैं बुद्धा को मानती हूँ, मैं सरस्वती माँ को मानती हूँ, मैं काली माँ को मानती हूँ, मैं लक्ष्मी माँ को मानती हूँ, मैं ब्रह्मा को मानती हूँ, मैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और डिस्ट्रक्शन इन सबको। बहुत बहुत अच्छा लगा फैजिया जी, आपने तो बड़ी लंबी सूची एक साथ दे दी, कई लोग इस सूची को इतना एक दम में बोल भी नहीं सकते, अभी आगे बढ़ते हम मैं आता हूँ, मैं बुखारी जी, बुखारी जी कौन सी आयत किस वक्त उसके जो है क्या है काम थे आप बताइए ना, हम तो आयतों को नंबर बता रहे, सूरा 2 151, पहले अरब के उन हालात को मुताला करिए जिन हालात में वो आयतें नाजिल हुई हैं, कि उन हालात में क्या हालात थे, कि तो वही रिजवी जी का वही तर्क है कि अगर वो वहां के लिए हैं तो यहाँ गैर मुसलमानों पर वो लागू क्यों की जाती है, कर रहा है लागू, किस जगह हुई है बताइए रिजवी जी, ये बोल रहे हैं कि लागू ही नहीं हो रही है, किस पे लागू हो रही है, फिर जो ये हैदराबाद का गद्दार नमक हराम छोटा ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, वो कौन है, वो कहां से प्रेरणा लेता है, वो सियासी बातें हैं, सियासी बातें छोड़िए, आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप बताइए इमाम साहब, बुखारी साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हो कि हिंदुस्तान के संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो, कुरान जो है कुरान को संविधान भी मानता है, अरे भाई आप ये बता दीजिए कि आप संविधान के हिसाब से, आप संविधान जब कुरान संविधान कुरान को मानता है तो हम संविधान को कब कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हम, नहीं आप शरीयत के ऊपर पहले लागू हो करेंगे या कुरान के ऊपर, शरीयत की छूट दी है तो संविधान ने हिंदुस्तान के नहीं दी है, शरीयत की नहीं दी है, शरीयत की नहीं दी है, आप गलत बात मत बोलिए बुखारी जी, शरीयत की छूट नहीं है, कुरान मानते हैं या संविधान, नहीं शरीयत की नहीं है, क्यों क्या नहीं, अच्छा उनका उनका प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप संविधान मानते हैं या कुरान मानते हैं, आप संविधान दोनों में बता दिया पहले, संविधान कुरान को मानता है, संविधान ने कहीं मना नहीं किया कुरान को मानने से, अच्छा आपको कुरान या संविधान कहा जाए तो किसको मानेंगे, कुरान अलग जब है नहीं तो हम क्यों ये कहें कि अलग एक को मानेंगे, हम तो दोनों चीजें एक जगह काम कर रही हैं, नहीं तो संविधान तो ये कहता है कि संविधान सारे धर्म को जो है उनपे अपने धर्म में चलने की छूट दे रहा है, नहीं तो क्या इस्लाम ही छूट देता है, इस्लाम छूट दे, इस्लाम क्या किसको कह रहा है, जबरदस्ती कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता, अच्छा आपका इस्लाम कहता है काफिरों को मार दो, संविधान कहता है कि अगर किसी का कत्ल किया तो, जिस वक्त में काफिर वहां के उनके ऊपर जुल्म उठा रहे थे उन्हें रोक रहे थे, उस वक्त में उस सूरत नाजिल हुई है, जी आप कह रहे हैं जाओ ना कुरान मजीद, अच्छा आप हिंदुस्तान में क्यों पढ़ रहे हो, सऊदी अरब हिंदुस्तान में पढ़ेंगे कैसे, नहीं और ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ने के, रोजा रखने के, ईमानदारी के और ईमानदारी के दुनिया के उसूल कायम करने के, इन सब चीजों के उसूल जो बताए गए हैं उनसे कैसे अमल करेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो, हम जब कुरान सऊदी अरब के लिए अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करने का हुक्म कुरान देता है, अरे आपको किसने रोका है संविधान सऊदी अरब में पढ़ने के लिए, फैजिया जी कुछ कह रहे, फैजिया जी कुछ कह रहे, फैजिया जी कुछ कह रहे, कुरान के हिसाब से नहीं चल रहा होगा, नहीं कुरान दुनिया में है सब जगह, एक बात बुखारी जी, एक मिनट, हाँ एक बुखारी से
बुखारी जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जो आप हज पे जाते हो, आप इतना ज्यादा पैसा वहां पे देते हो, आप अपने एक बेटी को नहीं पढ़ाते, उसके पढ़ाई का, अपने बच्चे को कोई बिजनेस खोलने का, उसका अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेके आप हज पे जाते हो, फिर हज के उन पैसों पे आके आपको पता है अमेरिका में कितने अयाशी से ये शेख रह रहे हैं, उनके पास कितनी अयाशी के आसान मुयसर है। आप अपने बच्चों का, हम एक गरीब नेशन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया में मुसलमान हो, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अपने बच्चों का नवाला लेके अरबों की अय्याशी के लिए पे करते हैं। तो आप तो गुनाहगार हो सबसे बड़े, आप क्यों अपना हलाल रिस्क कमाया हुआ अरबों की अय्याशी के लिए जिसमें आके अरब यहाँ पे अय्याशी करते हैं? रहने वाला हो चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चलिए अभी 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 बुरा है, जो अच्छे काम करेगा वो अच्छा है। और तालीम के जहाँ तक सवाल है, हज जाना एक बुरा काम है, तो हज जाना एक बुरा काम है, जाना आपके नजदीक बुरा होगा। जितनी यात्रा है, जितनी पूजा है, जितने लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप बुरा कह रहे हैं। चलिए हम दोनों मुद्दों पे आते हैं। देखिए हम थोड़ा है ना, हम सभी कह रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा आग्रह, हम क्या करते हैं, हम मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बुखारी जी कभी पीछे हटेंगे नहीं। आपको पता है दो और दो पांच का कोई उत्तर ही नहीं होता है, और इसलिए मैं अब हमारे साथ बुनियादे हैं, हमारे साथ महेंद्रपाल आर्या जी कुछ कहना चाह रहे थे। महेंद्रपाल आर्या जी, जो मैं पुनः डिबेट पे आता हूं, फैजिया जी ने इन आयतों को दिखाने के बाद बुनियादी दो प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि गैर मुसलमान, क्योंकि जो आयतें मैंने आपको 11 दिखाई है वो गैर मुसलमानों से संबंधित है। फैजिया जी ने कहा कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, मुस्लिम देशों में ही मानवता कहां है, विकास कहां है, साइंस कहां है, लाइफस्टाइल कहां है, क्या जीवन का उनको सुख मिलता है, गैर मुसलमान तो उसके बाद का विषय है। बहुत बड़ी बात कही है। आइए, आप लोगों ने प्रसंग छोड़ करके समय बेकार किया है, इस कोई बात की नहीं, चर्चा कंटिन्यू करिए, कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं एक मिनट बुखारी जी, आप चुप बैठिए। इसके कुरान की आगाज मैं दिया हूं कि जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद को सुनाया, जिब्रील को कहां से मिला बताए ना मौलाना, कोई जिब्रील को कहां से मिल गया? पहले आप ये बताइए। एक मिनट, मुद्दा खत्म कर दीजिए, एक मिनट, एक मिनट। महेंद्रपाल आर्या जी, महेंद्रपाल आर्या जी, हमने कुरान ये आसमानी किताब ये मुद्दा समाप्त कर दिया, अभी हम अगले पे आ रहे हैं। अगले पे यहाँ तक जिहाद का सवाल है, अब जिहाद के माने बताइए, पहले क्या क्या माने हैं जिहाद? एक मिनट बुखारी जी, आप प्रमाण के रूप में बैठे, जिहाद के माने क्या है आप ये बताइए पहले। बुखारी जी अभी जिहाद पे नहीं आए हैं, बुखारी जी जब जिहाद में आएंगे तब बात करेंगे। अभी आप रुकिए ना, आप हर व्यक्ति के बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो देखिए ना, वो दूसरे, मैं 10 लाख रुपया उनको दूंगा, ये नीरा यात्री से पूछ। आपको बैतुल माल का अहकाम मालूम नहीं है? बैतुल माल निजाम जो है इस्लाम का है, जब बुखारी जी अदा किया। अरे बुखारी जी, बुखारी जी और शमशुल हसन जी कैसे शांत बैठे, अभी थोड़ा शांत बैठे ना, थोड़ा शांत बैठे बुखारी जी, इस उम्र में भी आप इतना चिल्लाते हैं। हाँ, जो बात पर आते हैं, महेंद्रपाल आर्या जी, जो बात हम अभी जिन आयतों को क्लब करके दिखाए उस पर बात करिए कि गैर मुसलमानों के प्रति कुरान क्या कहता है। गैर मुसलमानों के प्रति जो कहता है वो तो आप 22 दिन तक चर्चा उसी पर ही तो, लेकिन आज आज एक ही एपिसोड में हमको सब चर्चा सब जल्दी खत्म करनी है ना। मैंने बोला कि कुरान ही गलत है, इसकी शुरुआत ही गलत से हुई, ये चर्चा समाप्त हो गई। अब गैर मुसलमान मत के लिए, इंसानियत मैं बोला, गैर इंसानियत को अल्लाह नहीं चाहते, जरूर काम आने का रास्ता कुरान दिखाता है, देखना नहीं चाहते, वो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल बताया गया है। तो इसके ऊपर आप क्या बात करने का है भाई वसीम जी, इन्हीं आयतों को आपको दिया इसे इकट्ठा करके, मतलब आपका कहना है कि वसीम रिजवी का कत्ल करो, मांग करनी चाहिए, आपका कहना है कि वसीम रिजवी का कत्ल करो, कत्ल हो चुके हैं। बुखारी जी आपका कहना है सजा दे, बुखारी जी आपका कहना है कि वसीम रिजवी का कत्ल करो, नहीं कत्ल नहीं, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा अदालत करेगी, हम नहीं करेंगे, अदालत करे। अच्छा चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत अच्छे मुद्दे पे हम आए हैं। बुखारी जी आप कहिए कि जिन लोगों ने वसीम रिजवी की गर्दन कलम करने का आदेश दिया है वो जाहिल है और वो गैर इस्लामी के, कानून के अंदर बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में आप कचहरी, आप उनकी निंदा नहीं करेंगे, आप उनकी निंदा नहीं करेंगे जिन्होंने इनके खिलाफ फतवा दिया है? वो सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों की बात नहीं करेंगे, आप में हिम्मत नहीं है, डर गए आप उनके नाम से, सियासी लोगों की बात करने नहीं आए हैं यहाँ तो। अरे
आज हमें दर्शकों को बता दूं कि हम 9 बजे समाप्त नहीं करेंगे, हम समय को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम रात 12 बजे तक चर्चा करें, थोड़ा समय एक्सटेंड करेंगे, जल्दी समाप्त करना। अभी तक केवल 11 आयतों की बात हुई है। अभी महेंद्र पालारे जी कुछ कह रहे हैं, अल्लाह उसको हिस्सा क्यों ले रहे हैं? आप बैतुल माल के बारे में कहिए, जो माल गनीमत जो है वो लूटी हुई माल, जिस पर ये चर्चा हमारी 22 दिन तक चल रही है लगातार, लूटा हुआ माल गनीमत से अल्लाह का क्या मतलब है? चलिए चलिए, अब इस प्रश्न पर उठाते हैं, जो इनका हो ये बात तो समझ में आती है, पर अल्लाह का होगा क्या मतलब? उनसे छीना जाता है माल, जो औरतों की इज्जत नहीं रखते। चलिए, सामने औरतों का, अरे बुखारी जी आपके पास आएंगे तभी बोलिए, हर व्यक्ति में बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ नीरज अत्री जी, गैर मुसलमानों के बारे में कुरान क्या कहता है, शॉर्ट में एकदम फोकस। जी, गैर मुसलमानों के बारे में कुरान का कहना है कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। उनकी दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं, वैसे तो सारे काफिर हैं, काफिर में आगे दो डिविजन्स है, एक है अहले किताब और दूसरे है मुशरिक। अहले किताब में आ जाते हैं ईसाई और यहूदी। उनके लिए जो 9वीं सूरह उसकी आयत नंबर 29 है, जो कहती है कि उनको इसी कंडीशन में छोड़ा जा सकता है कि वो जिम्मी बन के रहे, दैट मीन सेकंड क्लास सिटीजन होंगे, जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देंगे तब उन्हें जीवित छोड़ा जाएगा, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी काफिरों की है जिन्हें मुशरिक कहा जाता है, जिसमें आप और मैं आ जाते हैं। मुशरिक का अर्थ है जो भी मूर्ति पूजा कर रहा है या अल्लाह के अलावा किसी भी और देवी देवता की, भगवान की पूजा करता है। जैसे अभी डॉक्टर फौजिया कह रही थी कि अगर वो सरस्वती जी को मानती हैं, अगर वो शिव को मानती हैं तो मुशरिक हैं, मैं कृष्ण जी को मानता हूं तो मैं मुशरिक हूं, आप राम को मानते हैं तो मुशरिक हैं। और मुशरिकों के लिए कुरान के अनुसार केवल एक ही सजा है कि उन्हें ऑप्शन दे दो कि इस्लाम कबूल करें, अगर तो वो कर लेते हैं तो उन्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है, नहीं तो उन्हें मार देना चाहिए, वो वाजिबुल कत्ल है। ये कुरान का स्टांस है सारे गैर मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो गैर मुसलमानों का मुद्दा इन्होंने दिया है। अब हमारे साथ शमसुल हसन जी के पास मैं चलता हूँ। शमसुल हसन जी हमारे साथ कनेक्टेड है क्या? शमसुल हसन जी आपको सुनाई दे रहा है? चलिए शमसुल हसन जी के पास मैं चलता हूं। मैं दर्शकों को पुनः बताता हूं कि हम इस वक्त आपके सामने कुरान की विवादित आयतों के फाइनल में खड़े हैं और हमने अब तक 11 आयतें दिखाकर जो कि गैर मुसलमानों से संबंधित है उस पर चर्चा की है। अब हम आगे चलेंगे और आगे का ग्राफिक दिखाते हैं जिसमें क्या कहा गया है। देखिए ये कुरान है, कुरान की सूरा नंबर और आयत, सूरा 3 आयत 151, सूरा 4 आयत 56, सूरा 4 आयत 101, सूरा 5 आयत 51 मिलकर ये आपत्ति है वसीम रिजवी जी की, अल्लाह गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, ये हम दिखा चुके हैं। अब जो चर्चा अब तक हुई थी वो गैर मुसलमानों पर ही थी। अगले क्लब की तरफ चलते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हम ये कह रहे कि आप शांतिपूर्ण मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, सूरा 4 आयत 89, ये क्या है जरा थोड़ा सा, सूरा 4 आयत 89 इस पर जरा प्रकाश डाले महेंद्र पाल आर्य जी। सूरा 4 आयत 89 अभी आपको सुना देता हूं। हाँ सूरा 4 आयत 89 का, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में ही इसलिए गड़बड़ ना हो समझने में, इसलिए उसमें चर्चा कर लेते। हाँ इसमें यह बताया गया है, में यह बताया गया है कि वद्दु लौ तकफुरून कमा कफरू तकफुरून सवा फला तत्तखिज़ू मिनहुम मौलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइज़ा तवल्लौ फखुज़ूहुम वक्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलियन वला नसीरा। यानी अल्लाह ताला काफिरों को बिल्कुल मारने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी ना होने देने के लिए काफिर हो गए जो उनको, काफिरों को उनको मारो ताकि तुम उसमें बराबर हो जाओ।
जब तक वो खुदा के राह में ना चले, जब तक वो अल्लाह के राह में ना चले। अब तो यहाँ आप बता रहे हैं, आप तो यहाँ मुसलमानों को अल्लाह ने हिंदुओं के जनाजे में भी जाने के लिए मना किया है साहब, कि उनके जनाजे भी मत जाओ, कहीं उनके बच्चों के रोने पीटने की आवाज से तुम मुतासिर ना हो जाओ, उनके जनाजे भी मत जाओ। अब ये मानवता मानवता चिल्ला रहे, कहाँ है मानवता? क्या यही मानवता कहेंगे आप? किस जगह आया जरा मुसलमानों को अल्लाह ने जो आपने तर्जुमा किया हिंदू ये कहाँ आया है? उन्होंने काफिर या गैर मुसलमान कहा है? तो भारत में हिंदू कहेंगे ना, भारत में ही तो कहा गया है, भारत में नहीं कहेंगे ना। तो मैं शान नज़ूल पढ़िए कि वक्त में नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, उसका ही हुक्म है। जिस वक्त वहाँ के मुसलमानों को मार रहे थे, काट रहे थे, बीट रहे थे, उनके औरतों को पकड़ रहे थे, उनको सड़कों पर निकलने नहीं दे रहे थे, रास्ते पर चलने नहीं दे रहे थे, ये उस वक्त की आयतें हैं वहाँ पे नाजिल हुई थी। क्या यही भाईचारा है कि पड़ोसी अगर मर जाए तो उसके जनाजे में भी ना जाओ? आप झूठ बोल रहे हैं, आप रोने पीटने की आवाज से तो मुतासिर ना हो जाओ, बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ जाओ, इसलिए ना जाओ, ये मानवता बोलेंगे आप? चलिए चलिए, अब ये जो आयत है या ये जो आपके सामने आयत रखी, इस पर वसीम रिजवी जी आपने आपत्ति क्यों ली है? थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, जिन हालात में वो शान हुई है ठीक है ना, आप मत बोलिए ना, आपके पास आऊंगा तब बोलिए। आप खुद आप दिखा रहे हैं कि आप में थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता इनमें नहीं है, शांति का धर्म का बात करते हैं, उसका प्रतिनिधि है, और डिबेट में शांत नहीं बैठ सकते आप? हाँ, आपके हाथ में तलवार और बंदूक आ जाए तो आप गोली मार देंगे, वो मार देंगे। तो चुप बैठिए ना, थोड़ी देर थोड़ी देर चुप बैठिए ना, इस्लाम में कहीं हुक्म नहीं आया ये, तो ये बड़बड़ करने का आपको छूट है इस्लाम में? इसका जवाब देना, बाकी लोग बोल रहे हैं उसमें उनको बोलने नहीं देना है, के लिए आए हैं यहाँ। तो फिर जब आपके पास आएंगे तो बोलिए ना, शमसुल हसन जी शांति से सुन रहे, हालांकि वो शिया है, आप सुनिए, इसलिए भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं उनसे कोई बोल सुनने की बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपत्ति वसीम रिजवी जी, क्योंकि आपको आप मेन इसके कंप्लेंटेंट है, तो इसलिए मैं हर बार आपके पास इसलिए आऊंगा कि आपकी मुख्य आपत्ति, आपने इसके पहले गैर मुसलमानों पे बात कही थी, जो इसके पहले की जो हमने सारे आयतें दिखाई थी, ये भी गैर मुसलमान एक तरीके से काफिर को है, काफिर को लेकर पूरे शो में कई बार चर्चा हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम स्कॉलर इसका समाधान कारक जवाब नहीं दे पाया। रिजवी जी, मैं आपके पास आने के बजाय शमशुल जी के पास चलता हूं। शमशुल जी, आखिर काफिरों के ऊपर इतना कहर क्यों ढोया जाता है, ढाया जाता है? आवाज नहीं आ रही है तो आप कैसे बोल दिया अभी? अब मेरी आवाज आपको लग रही है तो मैं बिल्कुल आ रही। मैं यही कह रहा हूं कि काफिरों के बारे में कुरान में इतनी तल्ख बातें क्यों लिखी है? सुनिए, बात असल में यह है कि जहां से वसीम रिजवी साहब ने शुरू किया वहीं पे आइए, वहीं ठहरिए। वहां ये कहा गया है कि मैं अगर तुम जो है वो अहले बैत का दामन थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। लन तजुल्लु बादी, जिन लोगों ने अहले बैत का दामन छोड़ दिया और सिर्फ कुरान ले लिया, या जिन लोगों ने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा कुरान को छोड़ दिया, उनके यहाँ यही प्रॉब्लम है जो सामने नजर आ रही है मुझे। असल में बात यह है कि हमें बताइए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के घर वाले जितने थे उनमें से एक आदमी के अंदर कोई बुराई दिखाइए कि उन्होंने किसी काफिर को मारा हो, किसी उनको जो है वो कत्ल किया हो और उनको जबरदस्ती नहीं। दिफा एक चीज होती है, डिफेंस, और एक होता ऑफेंस। कभी उन्होंने ऑफेंस किसी के साथ नहीं किया, और कभी भी मेरा अपना पूरा हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, कभी भी चाहे हजरत अली से लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद तक यहाँ तक आकर के किसी को पर ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन डिफेंस किया है। और डिफेंस करने के बाद ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं को हक नहीं है, बुत परस्तों को कोई हक नहीं है रहने का, जीने का, ईसाइयों को जीने का हक नहीं है, यहूदियों को जीने का हक नहीं है। ये जो लोग बयान कर रहे हैं वो अपना जो है गलत बयानी है, उनको थोड़ा सा और स्टडी करना। नहीं नहीं नहीं, वो तो आयत आयत नंबर के साथ बताने को तैयार है। जरा नीरज अत्री जी हंस रहे, नीरज जी जो बातें यहाँ पर, अरे आप बुखारी जी आप आगे, फिर आप फिर आगे। इन्होंने जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है सुन लीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट जरा नंबर के साथ बता दीजिए नीरज जी, जो बात इन्होंने कही कि कुरान में नहीं हो, आप आयत के नंबर के साथ बताइए जरा। मेरे पास कुरान है नहीं तो मैं लेता हूँ जी। पूछिए एक, हाँ पूछ लिया आप, जो आप पूछ लिया पूछ लिया। हाँ नीरज जी, नीरज जी जी, इन्होंने कुरान पढ़ लिया है तो ये मानी बताएं। डेफिनेशन है
वो सूरह नंबर 98 में मिल जाती है कि काफिर कौन नहीं, है। नहीं, नहीं, कहा या पहली है, आयत जो सूरह नंबर 98 आप, की इसके वो बताती है कि काफिर कौन है। अगर आप जानते हैं मानी तो बताइए। किताब और मुशरिक, यानी कि क्रिश्चियंस ज्यूज तो उसमें आ ही गए, प्लस मुशरिक, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सारे के सारे जो हिंदू बौद्ध सिख है वो सारे के सारे मुशरिक में आ जाएंगे। और फिर उसी में जो छठी आयत है वो बोलती है कि जो काफिर है यानी अहले किताब और मुशरिक, ये कुरान की शब्दावली है, वो सब मखलूक से बदतर है, यानी वो सारे एनिमल्स से भी जानवरों से भी गए बीते हैं। और अब यहाँ पर डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाती है, उसके बाद फिर आता है कि इनके बारे में बिहेवियर क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जो सबसे स्टार्टलिंग लगेगी कुरान में, कि ये जो कुरान में जिस गॉड की बात आ रही है अल्लाह नाम के, वो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब ऐसा गॉड आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, आमतौर पे कोई लोग होते हैं सोच भी नहीं सकते। जैसे आपने अभी जो आयत दिखाई सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 151, तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में जमा देंगे। अब रौब जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है टेरर जमा देना। तो जो टेररिज्म की बात होती है वो आप उसके साथ इसे कोरिलेट कर सकते हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूं, तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, शरीक बनाया भी तो इस चीज बुत को, जिसे अल्लाह ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी, और आखिरकार उनका ठिकाना दोजख है और जालिमों का भी क्या बुरा ठिकाना है। तो जो बुतों की पूजा कर रहे हैं वो काफिर हैं, और उनके लिए अल्लाह जो है उसने बड़ा बुरा ठिकाना बना के रखा है और वो काफिर है। फिर जितनी जिहाद वाली आयतें जो आप स्टार्टिंग में दिखा रहे थे वो सारी यही बात फिर से स्पष्ट कर देती है। मिनट आपने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा शमशुल जी को बताना चाहता हूँ। शमशुल जी, आपने कहा कि ये कुरान के अंदर है क्या, तो कोई सबूत का गड़बड़ ना रहे, मैं आपके सामने बता दूं कि मेरे हाथ में कुरान मजीद है, और जो बात यहाँ पर अभी नीरज अत्री जी ने कही वो यहाँ पर है। मैं आपको पेज नंबर वगैरह सब बताने को तैयार हूँ। तो अब आपकी बात को आप वापस लेंगे या कोई दुरुस्त करेंगे? शमशुल जी देखिए, आपके हाथ में कुरान है, मेरे दिल में भी कुरान है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके हाथ में कुरान है तो मैं कह दूंगा कि कुरान नहीं है, झूठी किताब है। हाँ, कुरान कुरान है। अब आप हाथ में कुरान लिए हैं, लिहाजा आप जिम्मेदार और ज्यादा हो जाते हैं कि आप कोई ऐसी बात आपके जमान से न निकले कि जो है किसी के दिल की दुखाने वाली बात हो। हाँ, तो आप ये आप भाषण मत दीजिए, ये बताइए आपने जो कहा कुरान में नहीं है ऐसा आपने कहा, इन्होंने कहा कि है। अब मैं साबित कर, उन्होंने साबित करने के लिए मैं भी यहाँ क्लियर कर। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने तो कल भी आपके साथ डिबेट में था, मैंने तो आपसे कहा कि कुरान जो लोग जो है समझने वाले हैं, ये बहस उनके दरमियान होनी चाहिए। कुरान के बारे में ये कहा गया है कि जब कहा गया कि उसके अंदर अगर अहले बैत का दामन छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। हमारे यहाँ 12 इमाम है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, 12 इमामों की जिंदगी में आप कोई भी ऐसी बात दिखाइए कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं मान लूंगा। अच्छा, चलिए चलिए, ये तो एक नया नई बात कही है वसीम रिजवी। नई बात नहीं है, वसीम रिजवी साहब जानते हैं 12 इमामों के आप जो सारे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक भी प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया, या प्रॉफिट के बाद जितने लोग हुए। देखिए सुरेश जी, बात शमशुल हसन साहब जो बात कह रहे हैं, इस बात में मैं इनके साथ में इसलिए हूं क्योंकि प्रॉफिट के बाद हजरत अली जो उनके दामाद थे उनको खलीफा होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट के जो करीब लोग थे जिनको ये सहाबा कहते हैं वो रेपिस्ट थे, लुटेरे थे, बदमाश थे। उमर, अबू बकर, उस्मान जो अपनी लड़कियां प्रॉफिट को देकर, यानी कि प्रॉफिट से अपनी लड़कियों की शादियां कराकर प्रॉफिट के करीब पहुंच गए थे, उन लोगों ने इस्लाम को कब्जा किया और उसके बाद कुरान की ये साजिश चली। तो जो इन्हीं ने ये बात कही तो मैं ये तो बात बिल्कुल मानता हूं कि प्रॉफिट के जो परिवार वाले थे उनके साथ जुल्म हुआ है, और उनके साथ जुल्म करने वाले गैर मुसलमान नहीं थे, ये सहाबा के मानने वाले ही मुसलमान थे।
जो हमारे प्रॉफिट के जो परिवार वाले थे उनको कत्ल करते रहे, उनको जिंदगी भर जेल में रखते रहे। तो ये जालिम भी थे, ये रेपिस्ट भी थे, ये लुटेरे भी थे, ये तीनों अबू बकर उमर उस्मान जो तीनों थे ये फरेबी थे। इन लोगों ने अपनी बेटियां रसूल को देकर रसूल के करीब आए और उसके बाद इस्लाम के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अगर को फैलाया है, बुराई को मिटाया है। अरे यही तो बुराई है जो आपके अंदर है, बुराई आपके अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं है। बुराई को अगर मिटाया है तो आज वही बुराई आप चेयरमैन समझ के समझ रहे हैं कि मैं बहुत ताकत बड़ी बन गया हूँ, अल्लाह के आगे आपकी ताकत कुछ भी नहीं है। आज पूरी पूरी दुनिया में वो बुराई आतंकवाद की शक्ल में है जो कुरान की दावत। आप जैसे लोग हैं आतंकवादियों के हिमायती, हम नहीं है। आज कुरान की वजह से आप करते हैं उनकी हिमायत हर जगह। आज कुरान की वजह से पूरी दुनिया में मारकाट है। आपकी वजह से है। आप जैसे लोग हैं, आप जो कुरान को नहीं समझते वो ऐसे लोग हैं आतंकवादी। आप जैसे लोग कुरान पढ़ के लोग नहीं तो बुखारी जी फिर शुरू हो जाएंगे। हम आगे आते हैं कि जो बची हुई आए थे उनकी तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। अगला ग्राफिक दिखाइए जो कि हमने क्लब किया है कुछ आयतों को लेकर। देखिए अभी तक हम आपको तीन ग्राफिक दिखा चुके हैं जिसके द्वारा हम आपके सामने आयतों का समूह दिखा चुके हैं। ये है जो कि सूरा 5 आयत 14। ये कुछ सिंगल आयतें हैं ग्रुप में क्योंकि वो अपने आप में कुछ बात करती है, और कुछ आयतें हमने क्लब करके ली है। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच स्थाई लड़ाई है ये बात। अब गैर मुसलमान इस विषय पर बात हो चुकी है इसलिए अगले ग्राफिक की तरफ चलिए। अगला ग्राफिक दिखाते हैं गैर मुसलमान, और हमने अभी तक साथ साथ में काफिर पर भी बात की है, गैर मुसलमानों के साथ मुस्लिम व्यवहार ये भी हम बात कर चुके हैं। सूरा 5, सूरा 8, सूरा 9 की ये तीन आयतें हैं। आगे चलिए अगला ग्राफिक दिखाते हैं क्योंकि एक ही मुद्दे पर बार बार बात करने से, क्योंकि यही टालने के लिए आज हमने क्लब किया हुआ है। अल्लाह गैर मुसलमानों से लूटने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह है तो गैर मुसलमानों के लिए लेकिन लूटने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह स्पेसिफिक आपत्ति पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कैसे लूटने के लिए प्रेरित करता है। रिजवी जी, इतनी बड़ी आरोप आपने अल्लाह के ऊपर लगाने के लिए क्या आधार दिया है? देखिए, अगर ये अल्लाह की तरफ से आरोप, अल्लाह की भेजी हुई आयतें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गैर मुसलमानों को लूट लो मार लो, तो इसका गुनाहगार अल्लाह है। यानी कि अल्लाह जिसको ये अल्लाह मानते हैं उसमें फिर किसी भी तरह का उसको ये आदिल नहीं कर सकते। पास आऊंगा तब बोलिए ना। अल्लाह को इन आयतों के जरिए ये आदिल नहीं कह सकते। आदिल का मतलब जो जस्टिस करने वाला है, ये वो नहीं कह सकते। जब अल्लाह खुद, अभी आपने तीन चार जो इसमें खेमों में बांटा है उसमें गैर मुसलमानों के साथ में जुल्म, गैर मुसलमानों के साथ में मारना, गैर मुसलमानों के साथ में दोहरा व्यवहार करना, या अब गैर मुसलमानों के साथ में उनकी बात को लूटना, ये सारी चीजें कुरान मजीद के अंदर हैं जो आपने पार्ट पार्ट में दिखाई है। तो ये सब कुछ जितना भी है, यानी कि इससे निचोड़ ये निकलता है कि सिर्फ दुनिया में जीने का इख्तियार मुसलमान रखते हैं। अगर इस किताब को यूनिवर्सल माना जाए तो अरब तक सीमित कर दिया जाए तो फिर कोई बात नहीं, अरब के अंदर जिस तरह से वो चाहे जिस तरह से जिए, लेकिन जहां गैर मुसलमानों के बीच में इस किताब को लाया जाएगा वहां पर आपत्ति होगी, क्योंकि ये कुरान मजीद यूनिवर्सल इनके हिसाब से किताब है और पूरी दुनिया में खाली मुसलमान नहीं रहता, गैर मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर उनके बीच में आप उनको मारने की, उनको काटने की, उनके साथ जुल्म करने की, या उनको लूटने की, या उनकी औरतों के साथ में बलात्कार करने की अगर आप ये प्रेरणा अल्लाह की तरफ से देते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में कभी भी शांति नहीं होगी। आप झूठ कह रहे हैं कि ये है नहीं। जरा महेंद्र पाल आर्य जी, ये कहां हैं ये बताइए। वैसे तो ये आयत है जो अभी दिखाई है, बलात्कार की तो कहीं भी इजाजत नहीं दी गई इस्लाम में किसी के साथ। अरे बलात्कार, अब जब आप किसी को माले गनीमत में उठाकर लाएंगे आप तो पहले ये बताइए आप क्या करेंगे, किन हालात में वो जिहाद हुए हैं, वो जिहाद जिन हालात में हुए हैं, आयतें मतलब हालात में नाजिल हुई है, उन हालात को पढ़िए कि वो गैर मुस्लिम उन मुसलमानों के साथ क्या रवैया क्या कर रहे थे जिनके लिए हुक्म आया है, उनका क्या तरीका था, वो किस तरीके से उनको लूट रहे थे, तो किस तरीके से उन्हें मार रहे थे। दोनों एक दूसरे पे बहस पे मत आ जाइए। लेकिन आपने किया तो बलात्कार नहीं किया,
आप गलत कह रहे हैं, आप जानते हैं बलात्कार की परिभाषा बताइए आप क्या है। जबरदस्ती हमने हमने ये देखा कि अरे बुखारी जी अभी उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटों को सजा दी है। आपके पास आता हूँ मैं, फैजिया जी के पास चलता हूँ। फैजिया जी हमने यूरोप के, मैंने कई हैंडल को देखा, कई स्कॉलर के लेख पढ़े, आज वो लोग भी जो कभी ये कहते थे कि जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं उनकी ये लड़ाई है, ये आतंकवाद नहीं है, जो भूखे हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनके कारण ये आतंकवाद हो रहा है, यूरोप के ऐसे थॉट रखने वाले लोग भी अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गैंगरेप कभी नहीं होता था, लेकिन जब से ये लोग हमारे यहाँ पर आए हैं गैंगरेप बढ़ा है। इस आयत पर जिसको लेकर अभी यहाँ पर वसीम रिजवी जी ने आपत्ति ली, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि क्या ऐसे विकसित देशों में भी आने वाला मुसलमान वहां के लोगों के साथ यही व्यवहार करता है? असल में ये एक बहुत सीरियस बात है। एक तो दो बातें मैं कहना पसंद करूंगी जल्दी से। जो प्रॉफिट की बीवी थी सफिया, जूश थी, जिस रात उसके बाप और शौहर को मारा उसी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लेके उसके साथ हम बिस्तरी की। अब पता नहीं इसको हम बिस्तरी बोलो या रेप बोलो, क्योंकि इंसान जो है ना अपनी जिंदगी के डर से बहुत कुछ सहता है। एना फ्रैंक ने जिंदा रहने के लिए छोटे से एटिक में जूश बच्ची जर्मन नाजी वक्त में बैठी रही, वो अपनी डायरी लिखती रही, हम जीना चाहते हैं जितने भी मुश्किलात हमसे गुजारता है, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। आपने यूरोप की बात की है, कुछ दिनों पहले डेनमार्क के सदर की एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहा है और वो बहुत सही कह रहा है। देखिए जो मैं हूँ या हमारे बुखारी साहब है, शमसुल हसन है, जो भी बड़े हिंदुस्तान से ये लोग या इमरान खान हो गया, लेट्स सपोज ये एक हिपोक्रेट जिंदगी गुजार सकते हैं, दोनों किश्तियों में ना अपनी पैर रख सकते हैं, जा सकते हैं, शराब भी जाके पी लेते हैं, जना भी कर लेते हैं, बस एट द एंड ऑफ द डे ये मुसलमान भी होते हैं, बस इनको 72 हूरों के लिए वो अपना क्रेडिट बढ़ाते जाते हैं, वो अपना कलमा पढ़ते जाते हैं। मसला क्या हो जाता है, जो विदेशों में जो बच्चे इनके पैदा हो जाते हैं वो फिर इन जैसे हिपोक्रेसी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एनवायरनमेंट बहुत सादा, लोग आप बहुत ऑनेस्ट बच्चे जो होते हैं ना नेचुरली इंस्टेंटली वो अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। उन बच्चों को के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो मुसलमान उनको पढ़ाया जाता है वो जाके कुरान उठाते हैं, फिर कुरान में हर जगह लिखा होता है कि भाई आप मारो, आप काफिर है, इन्होंने जुल्म किए हैं, कहीं नहीं लिखा है, या आपने पढ़ना ही नहीं आता कुरान आपको। एक मिनट, कुरान वो फिर रोल प्ले करता है जो कि जिनसे वेस्ट डर रहा है, जिनसे डर रहा है, क्योंकि फिर वो बच्चे जो होते हैं ना वो जाके आइसिस ब्राइड बन जाती है, वही बच्चे फिर वो उमर मतीन की तरह जिन्होंने फ्लोरिडा में पल्स क्लब में जाके 40 लोगों को मारा, फिर वो जो है ना आतंक फैलाते हैं, रेप करते हैं और खुद को वॉलंटियर जिहाद का ईंधन बनने के लिए पेश करते हैं। ये मैं नहीं बोलती, इस पे DW की बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है कि जो एक पाकिस्तानी बंदा था जिसने अमरीकी औरत से शादी करके उससे पैदा हुआ बच्चा, उसका पूरा लिंक 9/11 से लेकर मुंबई अटैक तक, वो मुंबई अटैक पूरा हाफिज सईद के साथ करा रहा था अमरीका में बैठ के, फिर CIA ने उसको हेल्प लेके उसामा का उसने कुछ एड्रेस मालूमात दिए, उसकी फाइल को सील कर दिया है, अभी भी वो अमेरिका की जेल में है वो बंदा, और वो अमेरिका में पैदा हुआ था। तो इसीलिए अमेरिका जो है ना, जो हमारे तरह जो पेरेंट्स इमिग्रेंट्स आते हैं उनको तो ये होता है ना कि मेहनत करे, मजदूरी करे, अच्छा गाड़ी ले, घर बनाए, लेकिन जू ही, और उनको इतना कुरान और इस्लाम से काम भी नहीं होता क्योंकि वो एक हिपोक्रेसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि उनके बच्चे वो फिर इनोसेंट होते हैं और जब उनके हाथों कुरान लगता है फिर वो सारी तबाही मचाते हैं। इतना तो इतना मैंने 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 आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रही है उसके जैसी एक और डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें कहा गया था कि जो वहां का लोकल है जो कि पहले या तो ईसाई था या एथिस्ट था, किसी भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक मानता था, उसने इस्लाम कबूल किया, फिर वो कट्टर हो गया, उसका पहराव, उसका पहनावा सब बदलने लगा और बाद में फिर वो इस रास्ते पर चल पड़ा। ऐसे भी कई घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं।
बिल्कुल, और ऐसे लोग सारे जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, या तो वो बेचारे उनके साथ घरों में कोई प्रॉब्लम्स हुआ होता है, कोई उनकी मानसिकता साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो जाके कुरान में रिफ्यूज लेते हैं और फिर कुरान उनको बढ़ावा देता है कि मारने का, तो उनको लगता है कि ये मुझे, दुनिया तो मेरी खराब है, तबाह है, और जो लोग अपनी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर ये बोलता है कि उनकी दुनिया खराब करो, बिगाड़ो, ताकि मुझे जन्नत में मुझे वो सब कुछ मिले जिनके लिए दैट वी वर्क सो हार्ड फॉर, क्योंकि ये लोग इसकेपेबल तो नहीं है कि अपने लिए उस तरह की जिंदगी की आसाइश पैदा करे, इनको तो मुफ्तों में जन्नत में बहतर हूरे भी मिलेगी, मुफ्तों में शराब भी मिलेगा, और दुनिया में फिर उन लोगों की ये जिंदगी हराम करते हैं जो कि अपने लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स पेयर है, और वो बेचारे मासूम हैं, और उनसे डरते हैं, और डरना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो फितना है, मैं तो बोलूंगी ये कुरान नहीं है, ये एक फितना है जो कि इंसानियत की मौजूदियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको तो बैन होना चाहिए इंटरनेशनली। लोग इंटरनेशनली इसको इसलिए बैन नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों का खर्चा पानी चलता है, जिस तरह अमेरिका ने पूरा एक जिहाद करा के रशिया को अपना विक्ट्री ले ली है, उसने इसी जिहादियों और इस्लाम इन चीजों को यूज किया। मुशर्रफ के स्टेटमेंट ले ले, ये DW डॉक्यूमेंट्री है जिसमें पाकिस्तान का ISI इन्वॉल्व है, वहां के मौलवी इन्वॉल्व है, और इंडिया में मौलवियों ने उनसे उनके साथ मदद की है। इंडिया में बाकायदा ये लोग चैनलाइज करते हैं इस तरीके के आतंक को, और इनके खिलाफ तो जाहिर सी बात है हमारे बजट का एक बहुत ज्यादा हिस्सा जो कि हमारे महिलाओं की जिंदगियों को, उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और बच्चों को अच्छा सा न्यूट्रिशन देने के लिए, बच्चों को अच्छे से गजा देने दे दे जो कि हमारे आने वाले नस्लों के लिए फ्यूचर है, लेकिन वो ये नहीं करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। चलिए, मैं मुझे आज ये हमने करीब करीब सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की है, क्या आज की चर्चा में हमने, मैं वसीम रिजवी जी को पूछना चाहता हूँ, वसीम रिजवी जी, जो प्रमुख हमने 5 ग्रुप में 26 आयतों को लिया था, क्या उसमें कोई मुद्दा छूटा है ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई है। नीरज अत्री जी, आपको लगता है किसी मुद्दे को ऐड किया जाए, क्योंकि महिला का भी मुद्दा फैजिया जी ने उठा दिया था, तो क्योंकि हमको आज के एक ही एपिसोड में ये सारी बातें करनी है, कोई मुद्दा छूटा है? बस नहीं, मुद्दे सारे कवर हो गए। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो फौजिया रौफ ने कहा था कि जो सफिया को उठा के ले गए थे वो, अब ये सफिया वाला इंसिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मोहम्मद जो ये पैगंबर जिसे कहा जाता है उसके जीवन का। इन्होंने किया क्या कि खैबर नाम की एक जगह थी, वहां जाके हमला किया, सबको जो महिलाएं थी आपस में बांटी जा रही थी, तो सफिया किसी और व्यक्ति के हिस्से में चली गई, तो लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताया कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, तेरे लिए ठीक है, तू रख ले। तो ये अपने पास ले आता है, उसे अपने पास रखता है, और वहां पर इस लड़की के माँ बाप को, इसके पति को वहीं पे मारा जाता है बड़ी क्रूरता से। शादीशुदा होती है, जब वहां से चलते हैं तो वहां हाँ जी शादीशुदा थी, उसके पिता को भी इन्हीं ने मारा, उसके ससुर को भी मोहम्मद के लोगों ने मारा, उसके भाई को भी, उसके पूरे परिवार को मारा, और वहां से केवल जब 10 किलोमीटर आगे चल के आते हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने टेंट के अंदर ले जाकर उनके साथ जो करता है उसका उदाहरण आपको इस्लाम की किताबों से मिल जाता है कि इनका अपना एक बॉडीगार्ड था अबू अयूब नाम का, कि जब वो सुबह उठते हैं मोहम्मद साहब तो उनको आवाज आती है कि बाहर कोई खड़ा है, तो अबू अयूब बाहर नंगी तलवार लेके खड़ा था, तो पूछते हैं कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है, तो बताता है कि रसूल तुम इस लड़की को अंदर लेके गए थे, कल ही हमने इसके रिश्तेदारों को मारा है, तो मुझे उम्मीद थी कि आपको जो आप चाहते हैं वो ये नहीं करने देगी, इसलिए मैं यहाँ पर तलवार लेके खड़ा हुआ था। तो इस तरह का व्यवहार रहा है इनका, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का समाज बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है कि इनके अपने अपने जो नियम है उनके अनुसार कि अगर शादी करनी है तो 3-4 महीने वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो ये रसूल है वही वेट नहीं करता, अगले दिन ही इस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पे कर देते हैं। चलिए चलिए, इसका इसका फैजिया जी ने भी उल्लेख किया था, महेंद्र बाजारिया जी जो कि इस पूरे डिबेट के और महाचर्चा के अंपायर के तौर पर हमारे साथ रहे,
महेंद्र बालारिया जी, क्या किसी मुद्दे पे चर्चा बची है? वैसे तो आपने कहा है कि वसीम रिजवी जी ने 26 आयतें निकाली और आपको तो 300 आयतों पर आपत्ति है, तो इस आज के डिबेट में इन 26 की, क्योंकि हम वो 300 या बाकी विषयों पर बाद में शो करेंगे, मैं आज के शो से ये घोषणा करता हूं कि सुदर्शन पर हम एक मुस्लिम जगत नाम का वीकली शो ला रहे हैं जिसमें हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम जो लोगों ने इस्लाम छोड़ा, ऐसे कुछ लोग सुदर्शन पर आकर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनको भी उस शो में लाएंगे। लेकिन आज मैं महेंद्र बालारे जी के पास चलता हूं। महेंद्र बालारे जी, इन 26 में कोई मुद्दा छूटा है क्या? नहीं, 26 में कोई मुद्दा नहीं छूटा। आज मैं 15 पेजेस आपको भेजा हूं और उसमें मेरे पास 300 से ज्यादा है ऐसी आयतें, उसमें हम बात नहीं करेंगे। आज के 26 में नहीं है, कुरान कलामुल्ला नहीं है और ना कलामुल्ला यह सिद्ध कर सकते, इसीलिए मैंने तो बिल्कुल एकदम जड़ में हाथ रखा था, ठीक है, कि उसी जड़ से ही ये नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, तो जिसकी बिस्मिल्लाह जिसकी शुरुआत ही गलत हो तो आगे वो क्यों और कैसे चल सकेंगे। तो भाई वसीम रिजवी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज कुरान के बहस में इसको क्यों दिखाना चाह रहे थे? सुरेश जी, आज मैं देख रहा था तो मुझे इस टाइप का एक वीडियो मिला तो मैंने आपको भेज दिया। देखिए, बच्चा वो होता है कि जिसका दिमाग बिल्कुल कोरा होता है, और कोरे दिमाग पर आप जिस तरह की उसको शिक्षा देते हैं, जिस तरह की उसको तहजीब सिखाते हैं, जिस तरह का उसको माहौल देते हैं, बच्चा आगे चल के उसी तरह का व्यवहार करता है। तो मैंने इस दो वीडियो में आपको ये दिखाया कि देखिए, एक एक किसी गुरुद्वारे का बच्चा है, उसको किस तरह का संस्कार दिया गया है कि वो जूते साफ कर रहा है, चप्पल साफ कर रहा है और उसको चूम रहा है। यानी कि उसके जहन में एक ये है कि एक जो लोग आस्था से यहां आए तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो इतना ही कर सकता हूं। लेकिन एक दूसरी तरफ एक मुसलमान बच्चा है जो अभी से गोली चला रहा है, अभी से निशाना लगा रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि देखिए, दुनिया मुसलमानों के बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस वक्त वो बड़े होंगे, हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया मुसलमानों की जो साजिश है दूसरे धर्म वालों के साथ में, उसमें कितनी आगे बढ़ रही है, और एक ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर इससे निपटने की कोशिश जल्दी नहीं की गई तो हम बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है इस्लामिक आतंकवाद। बिल्कुल, तो ये हमारे, मैं फौजिया की जी तरफ दोबारा चलूंगा। फौजिया जी, ये विरोधाभास वाला जो वीडियो है, ये वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये वसीम रिजवी जी कह रहे हैं कि ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और इस प्रकार से उसके प्रभाव में बच्चे ऐसे होते हैं। ये देखे ना, मैंने पहले वसीम रिजवी ने बच्चा, आप उस पे जो लिखोगे वो वही उसके एक्शन बन जाएंगे। और ये मैं बहुत ज्यादा इस चीज के साथ एग्री करती हूँ। एक वीडियो है इन द वूम रिसर्च है यूट्यूब पे, ना सिर्फ बाहर, जब बल्कि बच्चा अगर माँ की पेट में होता है और उसकी माँ जाके इस तरह के कुरान सुनती हो, मारो और या किसी तबलीग में बैठी होती है या मुल्लों के फतवे सुन रही होती है, तो तब से इवन वो वूम से उस बच्चे का औरों की तरफ नफरत, और ये उस बच्चे के साथ कितना जुल्म है, उस इनोसेंट बच्चों के साथ ये जो बड़े बड़े मर्द कर रहे हैं, और इन बच्चा जो जाके आने वाले दिनों में ये अपनी जान का वबाह होंगे और ये अपने माशरे का वबाह होंगे। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कनाडा में हुआ है बोबो डॉल का, जिसमें इन्होंने कुछ बच्चे लेकर गए हैं और उनको ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग और इस तरह के चीजें जो वीडियो में दिखाई है, और बाद में उन बच्चों के एक्शंस को रिसर्च हुआ है कि क्या इन पे इफेक्ट होता है उनके एक्शन का, और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो गुरुद्वारे में जो बच्चे हैं आने वाले दिनों में वो क्या बनेंगे। लेकिन पैरेलल में उनके लिए एक इवल फोर्स भी बनाई जा रही है। अब ये दोनों बच्चे बेगुनाह है, लेकिन कल को ये बच्चा उठेगा और ये वो गुरुद्वारों के बच्चों को जो है ना उसकी जान का अजाब बनेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, इस पूरे चर्चा के दौरान कुछ ऐसे भी क्षण आए जिनको आज याद करना आवश्यक है, जिसमें मौलाना कोकब और महेंद्र पाल आर्या जी के बीच एक चैलेंज हुआ। हालांकि वो चैलेंज अभी तक अधूरा है,
पूरा नहीं हुआ, दोनों को लॉकडाउन के बाद स्टूडियो में लाएंगे और उसमें क्या हुआ जरा वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। बोलिए। और यही आयत नहीं है कुरान में 6666 आयत, घर में बनेंगे या नहीं पूछे इनसे। बोलिए जी, ये तो चालू है चैलेंज, ये वैदिक धर्म क्या चैलेंज है बताइए। कहा कि 6666 आयत है तो इस्लाम कबूल करेंगे, दिखा दीजिए। हाँ, 6666 आयत है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और 6666 आयत ना दिखा पाए ये मुझे टाइम बता दे, मैं 6666 आयत ही कुरान मजीद में दिखाऊंगा। अभी अभी दिखा देना, अभी साहब वाली बात के ऊपर बहस नहीं हो रही है, किस दिन इस्लाम कबूल करेंगे। अगर मैं ना दिखा पाया तो मैं सनातन धर्म, जिस धर्म को ये कहेंगे मैं वो कबूल कर लूंगा। कुरान मजीद में 6666 आयत है, ठीक है ठीक है, 558 रुकू है, 30 पारे हैं। उसके बाद एक एपिसोड में तो ये कोकब जो हमारे साथ आए थे, लेकिन ये वाली बात भी इस एपिसोड में हुई जो अभी अधूरी है। तो महेंद्र पाल आर्य जी, अभी ये आपका चैलेंज पेंडिंग है, और कोकब जी आप कहेंगे वो धर्म स्वीकार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं इन मौलाना बुखारी साहब को भी कहता हूँ, देखिए चौहान साहब, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 6236 आयते हैं, मुझे भी जन्म से लेकर के अब तक मालूम नहीं था, साल भर पहले से ये भाई नीरज अत्री जी ने दिखाया तो फौरन मैं उन पर आपत्ति की। हाँ। और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप देख लीजिए, मिला लीजिए। तो हम दो तीन विद्वानों ने मिलकर के हर एक सूरा की कितनी कितनी आयतें हैं उनको सब काउंटिंग करने के बाद 6236 ही निकले हैं। मैं भी जन्म तो चलिए तो ये मुद्दा पेंडिंग, और इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। अभी हम कार्यक्रम के अंतिम क्षण के तरफ है। इस कार्यक्रम में सुदर्शन के प्रयासों को उन लोगों ने भी सराहा जो वसीम रिजवी जी के विरोधी के रूप में हमारे कार्यक्रम में आए थे। क्या कहा, जो भारत के सारे उलेमाओं के संगठन के अध्यक्ष है, उनका ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो सुदर्शन को इस अभियान के लिए क्या कहते हैं। ये आपका एहसान है, एहसान कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये मुसलमानों के मुद्दे हैं जो काम चौहान साहब कर रहे हैं। आलिम है, मतलब आलिम तो आप भी है, लेकिन जो जामा मस्जिद का इमाम बुखारी क्यों नहीं आ रहा है, देवबंदी क्यों भाग रहा है, बरेलवी क्यों भाग रहा है, कोकब जी या मैं आपसे उत्तर चाहता हूं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। अरे कोकब मुश्तबा शिया फिरके से ताल्लुक रखता है, मुसलमान है, वो हाजिर है आपके चैनल पर। ये सुन्नी वाले कहा बाबुल मिला के, हमने हमने ये भी दिखाया कि जो लोग इस डिबेट के पारदर्शिता के बारे में और इस डिबेट की पूरी चर्चा के बारे में उन्होंने भी ये कहा कि सुदर्शन ने अच्छी पहल की। मैं शमशुल हसन जी के तरफ जाऊंगा। शमशुल जी, जिस मुद्दे पर लोग बातचीत नहीं करना चाहते और केवल अफवाहें फैलाते हैं, उस मुद्दे पर सुदर्शन ने एक ईमानदार प्रयास किया, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसी पहल जारी रखनी चाहिए। देखिए ये चीज तो बहुत अच्छी है कि आपने जारी रख, हम ये चाहते थे जितने भी मकतबे फिक्र के लोग हैं सब लोग आए और सबका एहतराम किया जाए, सबको इज्जत की नजर से देखा जाए, और जो वो कह रहा है उसकी बात पे गौर किया जाए, ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए। और दूसरी हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, और हम एक ऐसी कॉन्क्लेव करेंगे जिसमें इस्लाम के सारे फिरकों को मिलाकर एक चर्चा रखेंगे और उस पर भी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं फैजिया जी को पूछना चाहूंगा, फैजिया जी क्या ऐसा प्रयास आगे भी जारी रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, ये भी रखना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोग इस्लाम के जो लोगों के मतलब कीट मोर है, उसने अपने एम्ब्रियोलॉजी की किताब में ह्यूमन क्रिएशन लिखा है, फिर बाद में उसका जो भी काम है उसको दिखाते हैं कि भाई ये देखो हमारे कुरान में ये चीज है आई है 1400 साल पहले, तो वो अगर सर हिलाते हैं कि हाँ, फिर वो पूरा सा एक यू नो एक्सप्लोटेशन इनकी शुरू हो जाती है कि ये देखो ये साइंस मॉडर्न साइंस है और कुरान में ये चीज 1400 साल पहले आई थी। तो मैं चाहती हूँ इस तरीके से एक वीडियो हो जो कि कंट्रास्ट और कंपैरिजन, हमने हमने एक दिखाया था एक शो में हमने दिखाया था। अब मैं नीरज जी के पास चलता हूँ। नीरज जी, शॉर्ट में क्या आगे भी ये प्रयास जारी रखने चाहिए।
बिल्कुल जारी रखने चाहिए सुरेश जी, और मेरा निवेदन ये रहेगा कि आम मुसलमानों को जरूर बुलाया जाए, ये जिनकी दुकानदारी चलती है ना इस्लाम से, जिन्होंने उनको आज तक आम मुसलमानों को मूर्ख बना के रखा है, इनकी बजाय आम सड़क पे जो मुसलमान है उनको बुला के पूछें कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या समझते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो अभी बुखारी जी क्या वो ठीक है, आप असहमत हो सकते हैं, आपकी उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, आप भी इससे सहमत है? ठीक है, होनी चाहिए अहले इल्म के साथ बैठ करके होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो आप भी समर्थन करते हैं। अब मैं चलता हूं इस पूरी चर्चा में, जिनका सब कुछ स्टेक पर लगा है, जिनकी जान स्टेक पर लगी है, जिनकी राजनीति स्टेक पर लगी है, जिनका सर्वस्व स्टेक पर लगा है, जितने अपने उनके जिनके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक क्रांति का बीड़ा उठाकर इस मुद्दे को दुनिया के विरोध के बाद भी उठाया, ऐसे वसीम रिजवी जी इस विषय पर क्या कहते हैं? वसीम जी, क्या आगे भी ये लड़ाई, या आपकी भाषा में लड़ाई लेकिन इन लोगों की भाषा में शास्त्रार्थ मंथन जारी रहेगा? सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट से मुझे मायूसी मिली थी और रिट खारिज हुई थी, मैंने वहां रिव्यू पिटीशन दाखिल किए जो अभी पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद से आपने इंसानियत के प्रति जो अब आपका एक कर्तव्य था उसको निभाते हुए आपने जिस तरह से इस मुहिम को आगे जारी रखा, हम शुक्रगुजार हैं आपके, ये पूरी दुनिया शुक्रगुजार है और वो सभी इंसान शुक्रगुजार है आपके टीवी चैनल के, आपके इस टीवी चैनल में जो जितने भी लोग काम करते हैं सबके, कि जिन्होंने इस बात को, लड़ाई मैं नहीं कहूंगा, ये एक हक की बात है, इस हक की बात को कि खाली मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, हर धर्म के लोगों को जीने का हक है और बराबर का हक है, लिहाजा धार्मिक भेदभाव जो कुरान मजीद के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, जो कि इस्लाम के 3 खलीफाओं की देन है, इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए एक मिशन है, आप उसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं कि आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, आप बाहर भी थे तब भी आपने अपनी जिम्मेदारी वहां से निभाई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने इस कार्यक्रम को यहां तक लेके आए। बिल्कुल, हमने 23 एपिसोड में कोई भी खंड नहीं पड़ने दिया, बड़े बड़े मुद्दे आए, मुझे उन मुद्दों को उठाने के लिए बड़ा आग्रह हुआ। हाँ, बुखारी जी भी कह रहे हैं कि आपने ठीक किया है, तो हमने तो पूरा प्रयास किया, हम आपके भी आभारी, मैं एक आप लोगों को, सब लोगों को और इस शो को देखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। हमारा, मैं जिस धर्म को मानता हूं, हिंदू धर्म में मैं एक तुलनात्मक बात आपको ये कहने जा रहा हूं, खास करके जो लोग यहां अड़े हुए हैं कि कोई चेंज ही कुरान में नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले 2 वर्षों से देश के कई बड़े बड़े विद्वानों को लेकर कुछ ऐसा रिसर्च किया है कि कैसे भगवत गीता, जरा सारे पैनल को रखिए, मैं सबके साथ चर्चा करना चाहता हूं, फैजिया जी बहुत सीरियस बात है, कि मुसलमानों ने भी स्वीकार करना चाहिए और बाइबल वालों ने भी, ईसाइयों ने भी स्वीकार करना चाहिए कि कई शक्तियों ने अपने अपने ग्रंथों में दूसरे लोगों ने प्रभावित करके कुछ चीजें डाली है। मेरे पास ऐसे भागवत के पुस्तकें हैं जो कि 20 और 17 2 वर्षों के गैप में छपी गई और उनमें बहुत डेंजर बदलाव है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें घुसेड़ी गई है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हो ही नहीं सकते। वो पुस्तक कहाँ छपी है? दिल्ली में एक मुसलमान है जिसका छापखाना है और उसके यहां पर वो छपी हुई है, लेकिन छापखाने का नाम हिंदू है। मैं आज इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो भाग न जाए, मैं उस पर भी शो करके ये साबित करने वाला हूं कि बड़े बड़े प्रकाशकों से भी ये गलतियां हुई है कि गीता जैसे, महाभारत जैसे, रामायण जैसे ग्रंथों में भी कुछ लाइनें अंग्रेजों ने कही है, आततायियों ने कही है, उसके बाद के वामपंथियों ने कही है, ये डाली है। जब मैंने बड़े बड़े धर्माचार्यों से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि सुरेश जी, अगर ऐसा है, आपके पास सबूत है, हम उनको चेंज करने के लिए तैयार हैं। समय के साथ सामंजस्य बनाने वाला सनातन ऐसा सोचता है। क्या हमारे मुसलमान जो कि कुरान के बारे में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सोचने को क्यों तैयार नहीं है? मैं अभी कोई उत्तर नहीं चाह रहा हूं, मैं बस आपके सामने प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसे भी पुराण लाए गए जो पुराण थे ही नहीं, उन पुराणों में जो विक्टोरिया है उसको एक पहले एक देवी का अवतार कहा गया, क्या कोई ऐसा लिख भी सकता है? नहीं, लेकिन ऐसा भविष्य पुराण नाम का पुराण लाया गया जिसको कि अलग अलग
प्रेस में छपकर अलग अलग लाइनों में अलग अलग पन्नों पे अलग अलग बातें लिखी गई है। ऐसे किताब छापने के पीछे झाकिर नाइक की संस्था है, और इसलिए झाकिर नाइक जब अपने मंचों से हिंदू धर्म के ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों को और उपनिषदों को कोट करता था, तो हमने उन तमाम वीडियो को निकाला और हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ब्रह्मदेव कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हमने ब्रह्मदेव के बारे में जो बातें गलत बताई जाती है उसकी असली बातों की तरफ गए। यहाँ तक कि मैं आपको, आप सब लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस पुस्तक को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, मनुस्मृति, मनुस्मृति की हमने वो प्रति निकाली है जो प्रति 1964 में छपी है, और हमने आपको 2017 में छपी हुई प्रति भी लाई है। दोनों में भी मूलभूत बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मेरा कुल मतलब यह है, पूरी चर्चा का केंद्र यह है कि पुस्तकों में घालमेल की गई है। अगर भारत में आए कुछ आततायियों ने, कुछ शासकों ने, अंग्रेजों ने, कुछ वामपंथियों ने अगर ऐसी घालमेल पिछले एक शतक में ही इतनी बड़ी की है, तो कुरान में 1400 वर्षों में क्यों नहीं हो सकती, ये भी सोचने में क्या हर्ज है। मैंने अपना पक्ष रखा है, आप अपना इस पर सोचिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों को भी इस पर सोचने के लिए आग्रह करता हूं, और हिंदुस्तान के वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति और हमारे सारे ग्रंथों के जो जानकार हैं उनको आह्वान करता हूं। मैं जल्द ही उस अभियान को लेकर आपके सामने आने वाला हूं, और उस पर भी हम एक मेगा सीरीज करेंगे, देश भर के जानकारों को रखेंगे। आज का पोल लेते हैं, यह पोल हमने हर एपिसोड में लिया है, तो आज का अंतिम एपिसोड क्या कहता है, जिसमें हमने पूछा कि क्या 26 विवादित आयतों को हटाना चाहिए। 99%, क्योंकि 97 से शुरू ही हुआ था, 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हटाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े पूरे जो पैनल है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी विशेषता बता देता हूँ इस पूरे सीरीज की, कि इस पूरी सीरीज की क्या क्या विशेषताएं रही जो आपके सामने हम लेकर आए, आपके स्क्रीन पर दिखे, जल्दी जल्दी से बताता हूँ। ये पूरी सीरीज जो रही, जिसको हमने कुरान ऑन बिंदास बोल ये नाम दिया था, इस पर क्या क्या विशेषताएं रही आपके सामने स्क्रीन पर। इनकी प्रमुख जो विशेषता है, पहली विशेषता, इतिहास में पहली बार टीवी पर ऐसी चर्चा हुई जो कि एक ऐतिहासिक पहल मानी जाती है। दूसरी, इस पूरे अभियान की महत्वपूर्ण जो विशेषता रही वो यह है कि इसमें कुल 23 एपिसोड का प्रसारण किया गया, एक भी एपिसोड में ब्रेक नहीं लिया गया, जिससे कि हम कोई TRP या विज्ञापन का लालच है ऐसा दिखे। तीसरी विशेषता, पूरी सीरीज के दौरान 21 विद्वानों ने हिस्सा लिया जो कि 4 विभिन्न देशों से सहभागी हुए थे, आगे 5 देशों से, बल्कि बिना ब्रेक के प्रतिदिन 1 घंटे की चर्चा हुई, बल्कि कई बार इसका समय भी बढ़ाया गया। पांचवी विशेषता इस बिंदास बोल ऑन कुरान की यह रही कि करोड़ों दर्शकों ने प्रतिदिन ऑनलाइन पोल किया, और जो पोल 99 तक गया, ये विश्व के इतिहास में भी किसी भी चैनल के पोलिंग का एक बड़ा रिकॉर्ड है। छठी विशेषता, पोल का औसतन ग्राफ 98 रहा, मतलब पूरे 23 एपिसोड के दौरान जो पोल हुआ उसका औसतन 98 रहा। दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में इस सीरीज को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखा गया, वो कितनी संख्या में देखा गया आपके सामने स्क्रीन पर उसका ग्राफ भी हम दिखा रहे हैं। कई देशों में इसे स्थानीय भाषा में अनुवाद करके भी दिखाया गया, जिससे कि लोकल टाइटल कर लोगों ने इस एपिसोड को देखा, उसके भी वीडियो हमने साझा किए। सोशल मीडिया पर करोड़ों दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, ये भी एक अब तक का बड़ा रिकॉर्ड रहा। 10वां दर्शकों ने एपिसोड को आगे भी जारी रखने के लिए निवेदन किया है, जो कि 1.5 मिनट पहले मैंने अभी यहां पर हमारे साथ जो पूरा पैनल है उनको पूछा था, और उन्होंने इस बात को कहा है। और भी कई विशेषताएं, लेकिन प्रमुख 10 विशेषताओं को मैंने आपके सामने रखा। मैं सारे इन 21 पैनलिस्ट को जो हमारे साथ जुड़े और करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि आपने सहभागिता की, यह चर्चा जारी रखी। आज का बिंदास बोल ऑन कुरान का ये अंतिम और महा एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने विभिन्न धार्मिक मुद्दों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।